भागवत का मूल आज से हम स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण करके प्रारंभ कर रहे हैं। जन्मादस्य तन्नयाद तत्पश्चात् सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरजः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है, प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, जो जन्मादस्यतः से प्रारंभ होता है। प्रेमियों, अधिक समय न लेते हुए इसमें हम अधिक प्रयास मेरा आगे बढ़ने का ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, भगवान शंकराचार्य ने जो प्रस्थानत्रय भाष्य किया था, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, तो ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र है जन्मादस्यतः। जन्मादस्यतः का तात्पर्य है जो परमात्मा हमको जन्म देता है ना इस धरती पे, और पालन करता है, और अवसर पड़ने पर संहार करता है। ऐसे ऐसे परम प्रभु सत्य स्वरूप परमात्मा जन्मादस्यतः अन्वयादि करता है, जिस परमात्मा को साधारण रूप से नहीं जाना जाता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे हमारा आपका कोई परिचय करा दे कि इनके 20 बीघा जमीन है, ये विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो ये बहुत बड़े कलाकार। परमात्मा का परिचय ऐसे नहीं होता। इसमें लिखा है अन्वयाद तरता, अन्वय आदि साधनों से, अन्वय की व्याख्या और व्यतिरेक की व्याख्या, ये बड़े कठिन शब्द है वेदांत के। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम द्वितीय स्कंद में, चतुश्लोकी भागवत में भी अन्वय और व्यतिरेक की व्याख्या। ये भागवत है ही पूरा बड़ा कठिन, ये कोई कहानी वानी नहीं है, ये मनोरंजन नहीं, ये बहुत ये लोहे का चना जैसा है, ये बड़ा कठिन है। इसीलिए तो लिखा है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में ली जाती है, ये बड़ा क्लिष्ट है। तो इसमें अन्वय व्यतिरेक की व्याख्या है, अन्वय आदि माध्यम से परमात्मा को जानो। ऐसा परमात्मा जिसकी माया के आधार से भैया असत्य चीजें भी सत्य दिखाई पड़ती हैं, जैसे ये दुनिया असत्य है, ना ये पेड़ रह जाएगा, ना ये घर रह जाएगा, ना शरीर रह जाएगा, ना जो है जैसा वैसा रह जाएगा, लेकिन उसकी माया के कारण, उसके माया के आधार से ये असत्य संसार भी सत्य प्रतीत होता है, यही उसकी माया है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरयः। उन्होंने श्री ब्रह्मदेव भगवान ब्रह्मा जी के लिए वेद भगवान को ज्ञान के लिए प्रकट किया। बोलो वेद भगवान की जय। ये उस परमात्मा की व्याख्या हो रही है, वेद को उसने प्रकट किया, वो पालन करने वाला है, वो जन्म देने वाला है, वो संहार करने वाला है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्। अपने स्वरूप में जो रमण करने वाला स्वयं माया मुक्त जो परमात्मा है, वही सत्य है, और बाकी सारा संसार असत्य। भगवान शंकर से भगवान शंकर ने पार्वती जी से भी यही कहा था, पार्वती केवल प्रभु सत्य है, वही सत्य स्वरूप है। क्यों माँ कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन। एक बात आप लोग बताइए, जैसे आप लोग पलंग पे सोए रहते हैं और कोई सपना देखते हैं, जैसे क्या सपना देखते हैं? सबसे बढ़िया वाला सपना आपको क्या लगता है? एक सूटकेस मिला है, उसमें 2000 के गुलाबी रंग के नोट भरे, बढ़िया वाला सपना है ना? हर कोई चाहता है कि ये सपना हमें दिखाई पड़े, सपना नहीं हकीकत में मिल जाता बिना काम किए तो बहुत अच्छा होता। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, वो जब आप सपना देखते हैं उस समय आपको झूठा लगता है क्या? उस समय झूठा तो आंख खुलने के बाद लगता है,
आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन जिस समय आप देख रहे होते हैं उस समय तो लगता है कि आप कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अब तो सूटकेस मिल गया, अब कोई चोरी भ्रष्टाचार आज से नहीं करेंगे, अब तो बहुत आनंद आ जाएगा। लेकिन आंख खुलने के बाद वो जो जितना आप खुश थे, जितना प्रसन्न थे, उतना उदासी छा गई, है ना? तो ये संसार भी जैसे सपना सत्य लगता है और आंख खुलने के बाद झूठा लगने लगता है, उसी प्रकार से ये संसार भी जो सत्य लगता है ना, किसी गुरु के शरण में जाने के बाद और ज्ञान के चक्षु खुलने के बाद में लगता है, रे रे रे, ये तो 50 साल से बेकार गवा दिए रे, ये तो सब पानी में चला गया। जैसे सपने में राजा बन गए थे तो बहुत नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे, वो खुशी मनाना बेकार हो गया। शंकर भगवान ने बड़ी अच्छी बात कि सतहारी भजन सतहारी भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, हुआ कहो मैं अनुभव अपना, हुआ कहो मैं अनुभव अपना। अरे पार्वती मैं अपना, लोगों के चिल्लाने से क्या होता है रे, लेकिन जो कोई सपना देख रहा हो उसको कोई लाख समझाने का प्रयास करे, ये जो तुम देख रहे हो ये झूठा है, ये झूठा है, लेकिन वो मानने को तैयार है नहीं, ये आत्मा उसको बार बार धक्का देता रहता है, रे इसमें मत फंस, ये झूठा है, अभी आंख खुलेगी तो सब सामने आ जाएगा। ये बेचारा उस आत्मा की भी नहीं मानता, वो जागृत स्वप्न सुसुप्त तीनों अवस्थाओं का साक्षी है आत्मा। आइए आगे चलते हैं प्रभु की कृपा से। तो प्रेमियों ऐसे परम पिता परमेश्वर को सत्य कहा गया है, वो परमात्मा ही सत्य है, उसको हम सब लोग नमन करते प्रणाम करते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, महात्मा में उसी को सच्चिदानंद कहा गया। नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं 88,000 महाराज जी, आप लोग भी कभी 88 लोग भी एक जगह बैठो। मैं राजस्थान वगैरह में देखता हूं प्रदेशों में कि बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां गांव वाले इकट्ठा होते हैं। हमारे यहां घर के सामने मंदिर छोटे छोटे बने हैं, लेकिन पहले के समय में मंदिरों में लोग इकट्ठा होते थे तो आपसी समस्या की चर्चा होती थी। आजकल कोई कहीं इकट्ठा होता नहीं, कहीं कोई बैठता नहीं। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हैं सौनकादि 88,000 ऋषि, उनके सामने बैठे हैं बहुत कम आयु वाले 16 वर्ष वाले सूत जी। जितने बड़े बड़े उपदेशक हुए, जितने बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी हुए, वो सब बड़ी कम आयु वाले। सुखदेव स्वामी भी 16 वर्ष के, सूत जी महाराज भी 16 वर्ष के, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज भी बड़ी अल्पायु वाले सारे जगत को ज्ञान दे करके 32 वर्ष की आयु में चले गए। बोलो आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। तो सौनक बाबा 88,000 जो ऋषि हैं उनके सामने बैठे हैं सूत जी। सूत जी महाराज ने सौनक जी से कहा, भगवान आप मेरे 6 प्रश्नों का उत्तर दे दें तो बड़ी कृपा होगी, आप मेरे 6 प्रश्नों का उत्तर दे दें। तो हमारे भ्रम का निवारण हो जाएगा गुरुदेव। मेरा सबसे पहला, ओ भैया यही 6 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वही पूरी श्रीमद् भागवत है। जैसे माता पार्वती का प्रश्न हुआ शंकर जी ने उत्तर दिया, वही पूरी रामायण बन गई ना, और वैसे सौनक जी ने प्रश्न किया, सूत जी ने उत्तर दिया, वो पूरी भागवत। मेरा पहला प्रश्न है कि मनुष्यों के कल्याण का सबसे बड़ा साधन क्या है गुरुदेव, ये मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान देवकी के पुत्र के रूप में आखिर अवतरित होने की क्या आवश्यकता पड़ गई। और महाराज मेरा तीसरा प्रश्न है कि भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए। अथा क्या ही हरेर धीमान, क्योंकि भैया अवतार के बिना तो काम चलना नहीं है, बोलो जय श्री हरि। अच्छा आपके बोर्ड में खंबा में तार में बिजली हो लेकिन बल्ब ना जले तो आप बिजली आवे ना, क्या मतलब? ये हाइलोजन नहीं जले, पंखा नहीं चले, फ्रिज नहीं चले, ये अवतार है। किसका अवतार? प्रकाश का अवतार है ना?
हवा का अवतार है। ये अवतार इसी को कहते हैं जो किसी मूल तत्व में से निकलकर अलग रूप ले ले, जो हमारे आपके काम का हो। ठीक है, पेड़ में कौन अवतार होता है? फल का अवतार, वो है पेड़ का ही अंश, लेकिन आपको फल की आवश्यकता है, तो वृक्ष में जो फल लगता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में से जो सगुण साकार प्रकट होता है, वो हमारी आपकी आवश्यकता है। इसलिए महाराज भगवान के अवतारों की कथा जरूर कही है। अथाख्या ही हरेर धीमान अवतार कथा सुभा, भगवान के कितने अवतार हुए। और महाराज भगवान की जितनी भी कथाएं हैं उनको आप अपने विवेक से उनका सार तत्व हमें सुनाइए। और महाराज शास्त्रों का निचोड़ क्या है, आपको बताया ना 18 पुराण, यह तो भागवत तो ठीक से हो ही नहीं पाता। 3 घंटे का समय मिला है, 7 दिन में कहां हो पाता है कुछ। 10-5 मिनट देरी हो जाती है, 10-5 मिनट कीर्तन में निकल जाता है, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी में। हालांकि हमारे यहाँ हमारे मंच पर यह प्रयास रहता है कि बहुत फॉर्मेलिटी बहुत दिखावा नहीं होने पाए और अधिक से अधिक कथा, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो ही जाता है भैया, कहाँ एक भागवत महापुराण नहीं हो पाता। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 प्रकार के उपनिषद, 4 वेद। अरे महाराज अपनी जिंदगी में अपने जीवन में एक व्यक्ति तो पढ़ ही नहीं सकता। तो गुरुजी इसका जो निचोड़ है ना, सार तत्व है, वो हम लोगों को आप ही सुना सकते हैं, क्योंकि 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 निचोड़ हर किसी के बस का काम नहीं है ना। गन्ने का रस आपको चाहिए तो आपको गन्ना दे दिया जाए तो रस तो नहीं निकाल सकते ना। जब तक कोल्हू नहीं हो, मशीन नहीं हो, तब तक रस नहीं निकलेगा। जब तक मेरे कहने का मतलब साधन नहीं हो, तो बड़े लोग जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो साधन वाले होते हैं, वो अपना निचोड़ निकालकर रस निकालकर हमको आपको पिला देंगे। और महाराज मेरा 6वां प्रश्न यह है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्महकं शरणं गतः। ए 6वां प्रश्न गुरु जी है कि 125 वर्ष व्यतीत करने के बाद भगवान कृष्ण जब धरती लोक छोड़कर चले गए तो धर्म तो निराश्रित हो गया। धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। ये मेरे 6 प्रश्न है गुरुदेव। श्री सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों के उत्तर में पहला उत्तर देते हुए कहा, ऋषियों मनुष्यों के कल्याण का सबसे बड़ा साधन है कि इनकी भगवान के चरणों में भक्ति हो। भैया हाँ जी, आपके मन में भक्ति नहीं होगी तो शांति ऐसे आपको नहीं मिलेगी। कल्याण का सबसे बड़ा साधन है कि मनुष्यों के मन में भगवान के चरणों में भक्ति हो। कि घन गरज गरज क्या कहते हैं ये बात मयूरों से पूछो, गरज गरज क्या कहते हैं ये बात मयूरों से पूछो, भक्ति में कितनी मस्ती है, भक्ति में कितनी मस्ती है, ये भेद फकीरों से पूछो। बड़ा सीधा साधा गीत है, मस्ती है उन गुबरी चौपालों में, उन गुबरी चौपालों में माखन का खाना क्यों भाया, माखन का खाना क्यों भाया। श्री कृष्ण प्रेम में लीन हुए यह उन्हीं अहीरों से पूछो, श्री कृष्ण प्रेम में
वीरों से पूछो श्री कृष्ण प्रेम में लीन। अरे इस धरती पर जितने भी धर्म हैं, ईसाई हैं चर्च में जाते हैं, मुसलमान हैं मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाता था, हिंदू मंदिर का आश्रय लेता था, लेकिन हम आप अपना रास्ता बहुत तगड़े से छोड़ रहे हैं। और जब पतन होना होता है किसी का तो वो धर्म को छोड़ने लगता है। हाँ, साक्षात धर्म ही परमात्मा है। कि श्री कृष्ण प्रेम में लीन हुए ये उन्हीं अहीरों से पूछो, ये उन्हीं अहीरों से पूछो। कि सीता राम 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 सीता राम राम बाबा सीता राम 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 सीता राम 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 जय सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम। कीर्तन में ताली जरूर जरूर बजाना चाहिए। ये जितनी नसें हैं ना हार्ट की उनको खोलती। हाँ, ये हमारे ऋषि महर्षि बहुत दिन से चिल्लाते आ रहे हैं, कोई मानता ही नहीं। एक चाइना का आदमी एक दिन बता रहा था, इतने जगह ठोको तो हार्ट के ब्लॉकेज खुलते, ऐसे ऐसे बता रहा था। यहाँ यहाँ ठोको, यहाँ यहाँ ठोको, यहाँ यहाँ ठोको। तो अरे हमने कहा ये तो हमारे यहाँ सैकड़ों वर्षों से ऋषि महर्षि बताते आते हैं, ये हर जगह विज्ञान छुपा हुआ है कि कीर्तन करो तो ताली बजाओ तो झटका लगता है ना पूरी नसों में। ये एक योगाभ्यास है, इसका साइंस से रिलेशन है। विज्ञान और सनातन धर्म पूरे विज्ञान है, चाहे विज्ञान मान के चाहे धर्म मान के कुछ करके बजाओ भाई थोड़ी देर। जो सीता राम 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 सीता राम राम राम। आज बढ़िया ताली बजा लो, कल देखना कम चाय पीनी पड़ेगी। चाय पीने से फुर्ती आती है ना, बिना चाय पिए फुर्ती आ जाएगी। जो सीता राम 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 गाते भी बहुत बढ़िया है ना। गाते हैं लेकिन काम चोरी करते हैं। काम चोरी खाली घर में ही नहीं होती, काम चोरी पंडाल में भी होती है। काम चोरी पंडाल क्या है? जय श्री हरि न बोलना, कीर्तन न करना, ताली न बजाना, आपस में बात करना। कभी कभी हमारे यहाँ तो नहीं कोई करता, हाँ बैठो थोड़ी देर बात कर लो, ये गलत बात, चुपचाप बैठ जाया करिए कथा। घर का कोई हालचाल नहीं, कथा के बाद घर का, यही काम चोरी है भगवान से। भगवान के पंडाल में 3 घंटे में 2 घंटे में 1 घंटे में बिल्कुल बेईमानी नहीं करना चाहिए। तो पहला कारण, पहला उत्तर दिया कि मनुष्यों के हृदय में भक्ति हो। शास्त्रों का निचोड़ बताया भाई, धर्म का आश्रय ले तो धर्म का आश्रय अर्थ के लिए नहीं होता। मान लो कोई आप मंदिर बनाए तो मंदिर इसलिए नहीं बनाया जाता कि उसका चढ़ावा आए तो हमें पैसा मिले। मंदिर इसलिए बनाया जाता है कि उसमें लोग पूजा करें, आध्यात्म लाभ मिले और लोगों को भक्ति का लाभ मिले। तो बोले महाराज ये शास्त्रों का निचोड़, देवकी के पुत्र के रूप में भगवान क्यों आए ये तो सब लोग जानते हैं। जब जब हमें धर्म की हानि, धर्म और अधर्म दोनों बीज है, ये कभी नष्ट नहीं होता। कोई कहे कि अधर्म नष्ट हो जाएगा, सतयुग में भी नहीं नष्ट होता, बीज कभी नष्ट नहीं होता। अधर्म भी बीज है, धर्म भी बीज है। तो धर्म जब कम होता है अधर्म बढ़ता है, ऐसे नहीं समझ में ना। या यूं कह लीजिए कि जेठ का महीना, जून का महीना जब खूब तपता है ना तो पानी बरसना शुरू हो जाता है, वो नियम है।
जब जब पाप बढ़ेगा तब तब परमात्मा का अवतार उसी तरह होगा जैसे प्रचंड गर्मी जब अति हो जाती है, गर्मी बढ़ते 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 मानसून जब आ जाता है तो पानी बरसने लगता है। वो भी एक तरह का भगवान का ही अवतार हुआ ना, वो परमात्मा ही। चौथा प्रश्न आपने किया था कि भगवान के अवतार कितने हुए, तो आइए भगवान के अवतार हुए 24 है ना। गायत्री मंत्र में अक्षर है 24। भगवान के अवतार हुए 24, ब्रह्मांड के तत्व हैं 24, गायत्री मंत्र में अक्षर हैं 24, और ये 24 अवतार भगवान के। आइए ध्यान से सुनते हैं भैया, सवेरे सवेरे ये 24 अवतारों का नाम लेना चाहिए, नहीं याद हो तो कागज पर लिख के पढ़ना चाहिए, कभी कभी जरूर स्मरण करना चाहिए, अवश्य स्मरण करना चाहिए। पहला अवतार भगवान का हुआ सनकादि का अवतार, वहीं बैठते तो बड़ा सुंदर रहता, वही सोफा पे बैठते तो बड़ा अच्छा, कितना बढ़िया रंगीन सोफा, इतना सुंदर, वहां तो लोग बैठना चाहते हैं, आप पता नहीं क्यों नहीं बैठना चाहते, आप भी वो झंझट से भागना चाहते हैं लगता है। भगवान की आइए भाई, 24 अवतारों की चर्चा, बस एक मिनट में सुनते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं भगवान की कथाओं में। पहला सनकादिक महात्मा का अवतार हुआ, जिनकी कथा आपको मैं कल सुना चुका हूँ, सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनत, ये सदैव इनके और कोई काम नहीं है कि थोड़ी देर टीवी देखे फिर थोड़ी देर क्रिकेट मैच देखे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का वेशभूषा तो जरूर अलग होती, पैंट वेंट नहीं पहनते, मतलब हम अपने बहाने सबको कह रहे हैं सबसे भिन्न है, जैसे हम लोग कभी रेलवे स्टेशन कभी कहीं कभी सार्वजनिक जगह पर पहुंच जाते हैं तो हिंदुस्तानी ऐसे देखते हैं जैसे कोई एलियन आ गया हो दूसरे लोग, इतनी दुर्दशा हो रही देश में, इतने नमक हराम अपने देश के प्रति, तो शायद किसी देश के लोग नहीं, कोई धोती पहन के भी अभी एयरपोर्ट में चला जाए फिर देखो उसको कैसे घूर घूर के देखेंगे, जैसे लगता है यहाँ पैदा ही नहीं हुए। हम लोगों की वेशभूषा थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन हम लोग तमाम काम कर लेते हैं भाई, सोशल नेटवर्क है तो लोग आ गए उनसे मिलजुल लिए, थोड़ा मोबाइल नंबर वंबर ले लेते हैं कि चलो कल को आश्रम में आएंगे, काम आएंगे, थोड़ी हमारी भीड़ बढ़ेगी। सनकादिक महात्मा से कोई मतलब नहीं किसी से, उनको कोई वो कोई किसी का पता ठिकाना नहीं लिखते, वो एक काम करते हैं, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने सनकादिक महात्माओं के बारे में लिखा कि ब्रह्मानंद, वो केवल उनको संसार के आनंद से कोई मतलब नहीं है, वो केवल ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। भगवान के 24 अवतारों का पहला अवतार, ओ ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बाल भे बहु काली नाराम, सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, ओ ब्रह्मानंद सदा लय दीना, देखत बालक बहु काली नाराम, सिया राम। पूरा सतयुग बीत गया लेकिन वो 5 साल से 6 साल के कभी नहीं हुए, पूरा त्रेता बीत गया, पूरा द्वापर बीत गया, कलयुग भी बहुत बीत गया, अभी वो जितने बड़े थे उतने बड़े, ना कोई बोतल चढ़ी, ना कोई सुई लगी, ना कोई इंजेक्शन लगा, ना कोई ऑपरेशन हुआ, ना कोई दवा हुई, ना कुछ कुछ, वो सदैव सदा सर्वदा अपने योग बल से एक जैसे। बोलो सनकादिक भगवान की। ऋषियों, भगवान के 24 अवतारों में पहला अवतार सनकादिक अवतार और दूसरा अवतार धरती पर हुआ, आहा 12 अवतार, तीसरा अवतार हुआ देवर्षि नारद, ये सब अंशावतार की चर्चा हो रही है। पहला सनकादिक अवतार, दूसरा 12 अवतार, तीसरा हुआ भगवान का नारद अवतार, चौथा हुआ भगवान का नर नारायण अवतार, पांचवा अवतार हुआ धरती पर भगवान कपिल देव का अवतार, जिन्होंने 6 शास्त्रों में एक शास्त्र सांख्य शास्त्र की रचना की। छठवां दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ, सातवां भगवान यज्ञ का अवतार हुआ, बोलो यज्ञ भगवान की। आठवां अवतार हुआ धरती पर भगवान ऋषभदेव का,
जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं, हम सबको भगवान मानते हैं, लेकिन हमारे भगवान को कोई भगवान मानने को तैयार नहीं है। ए भैया, बहुत बड़ी विडंबना है। बुद्ध कहते हैं हमारे भगवान दूसरे, जैन कहते हैं हमारे दूसरे, सिख कहते हैं हम भी अलग हैं, लेकिन ये सनातन धर्म, ये हिंदू ही जो है वो सबको लेकर चल रहा है। ये गुरुद्वारे में भी चला जाता है, ये मस्जिद में तो जाने नहीं देते, ये दरगाह पे भी चला जाता है, ये जैन मंदिर में भी चला जाता है, इसके अंदर कोई कट्टरता नहीं। लेकिन मैं जहां तक कहता हूं प्रेमियों, जिनके धर्म में मंत्र में ओम लगता है वो दूसरे कैसे हो सकते हैं? ईसाई में ओम नहीं लगता, इस्लाम में ओम नहीं लगता, लेकिन जैन में ओम नमो सिद्धाणम, ओम के बिना कोई मंत्र ही नहीं। बुद्ध में, बौद्ध धर्म में भी ओम लगता है, सिख में भी एक ओंकार, जगह जगह लिखा नहीं गुरुद्वारे, एक ओंकार, एक माने वही परमात्मा, एक तू ही सत्य है। भागवत भी यही कहती है, एक ओंकार सत्य नाम। और हम क्या कहते हैं? सत हरि भजन जगत सब सपना। और वो कहते हैं सत नाम, उसका नाम, नाम भजन कोई अंतर ज्यादा थोड़ी है। हम कहते हैं हमारे, कहते हैं सत हरि भजन, वो कहते हैं तेरा नाम सत्य। ये तो एक तरह का आडंबर ही है, एक तरह की फूट डालने का और एक तरह से अलगाव का आडंबर। तो कोई जहां भी ओम लगता है वो अलग कैसे है? आठवां अवतार ऋषभदेव का हुआ, जिनको जैन धर्म के लोग प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। नौवां अवतार भगवान पृथु का हुआ, दसवां अवतार भगवान मत्स्य का हुआ, ग्यारहवां अवतार भगवान कूर्म का, वही कच्छप जिन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण करके समुद्र मंथन करवाया था, बारहवां अवतार भगवान धन्वंतर का हुआ, आयुर्वेद को जिन्होंने, हमारे देश में अमृत है आयुर्वेद, आयुर्वेद को आज पूरा विश्व मानता है, अमेरिका से लेकर विदेशों में आयुर्वेद की धूम मची है। आपके घर के अगल बगल जितने पेड़ पौधे घास पत्ते हैं प्रेमियों, ये सब आयुर्वेद है, आप जानते ही नहीं, आप निरोगी रहना जानते ही नहीं, बस थोड़ी सी जुकाम हुई नहीं कि हॉस्पिटल भागे नहीं। और दिनचर्या हमारी बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने हमको आयुर्वेद का उपदेश दिया था, धन्वंतरि महाराज भगवान के बारहवां अवतार हुए जिन्होंने आयुर्वेद को हमें दिया, अमृत को दिया, और तेरहवां अवतार भगवान मोहिनी का हुआ, जो जैसे माने वैसे उसको मनाओ। भगवान कहते हैं दुष्टों को सीधा करना हमारा काम है, चाहे वो साड़ी पहनने से माने तो पहन लूंगा, और चाहे हथियार उठाने से माने तो हथियार उठा लूंगा। भगवान ने राक्षसों और देवताओं को आपस में युद्ध ना हो, अमृत का विभाजन हो, इसके लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था। और चौदहवां अवतार हुआ भगवान नरसिंह देव का, जिन्होंने खंभे में बंधे हुए अपने 5 वर्ष के भगत प्रहलाद बालक की रक्षा करने के लिए आधा शेर आधा मनुष्य, बोलो नरसिंह भगवान की। श्रीमद् भागवत में लिखा चतुर्दश नारसिंहम, चौदहवां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ, चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्र मूर्जितम, पंद्रहवां अवतार भगवान वामन का हुआ, जिन्होंने अपने भाइयों की संपत्ति जो राजा बलि ने छीन ली थी, वामना अवतार में 52 अंगुल के अवतार धारण करके 3 पग धरती के बहाने सारा तीनों लोग मांग करके दे दिया, ऐसे 15वां अवतार भगवान वामन का। और 16वां अवतार भगवान परशुराम का हुआ, जिन्होंने कुछ दुष्ट राजाओं से युद्ध किया, सबसे नहीं। ये भैया नफरत फैलाना आपस में हिंदुओं में तो बंद करें लोग। परशुराम जी महाराज का क्षत्रियों से विरोध नहीं था, परशुराम जी का सहस्त्रा अर्जुन के वंश से विरोध था। तो भगवान, भगवान राम का, भगवान राम ने रावण से युद्ध किया, तो कल को कोई कहने लगे कि रावण भी ब्राह्मण कुल का था, तो राम 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 ब्राह्मण विरोधी थे, तो वो कितनी बड़ी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं लोग। कितना, कहां लिखा है भाई परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी? परशुराम जी दुष्टों के विरोधी थे, किसी जाति के विरोधी नहीं थे। परशुराम जी राक्षसी वृत्ति के विरोधी थे, परशुराम जी सहस्त्रार्जुन के अत्याचार के विरोधी थे, और जैसे भगवान राम रावण के दुराचार के विरोधी थे। ये कोई क्षत्रिय विरोधी या ब्राह्मण विरोधी? ये जो आजकल नए नए लड़के सोशल मीडिया वाले चले हैं ना, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है,
ये रातों दिन जिनका काम बस फेसबुक पर उल्टी सीधी बातें भेजते रहना, कहीं परशुराम जी को क्षत्रिय विरोधी कहना, कहीं राम जी को ब्राह्मण विरोधी कहना, इस तरह का जो घिनौना वातावरण है समाज में लोग फैला रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहूंगा, ज्यादा नहीं तो दो दो मिनट थोड़ा शास्त्र पढ़ लिया करो, और नहीं तुमको तो फालतू इधर उधर घूमने से फुर्सत नहीं है, प्रपंच करने से फुर्सत नहीं है, दो मिनट कथा पंडाल में बैठा करो, थोड़ा दो मिनट कथा सुना करो तो थोड़ा ज्ञान होगा, तो उल्टी सीधी बातें नहीं लिखेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 21 बार है वंश को विहीन किया परशुराम जी ने, 16वां अवतार था, 17वां अवतार वेद व्यास भगवान का हुआ, जिन्होंने एक वेद से तीन वेद और बना दिए, मतलब ऋग वेद से साम वेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, एक वेद को चार वेद कर दिया, बोलो वे, तभी से उनका नाम क्या पड़ा, वेद व्यास, वेद का व्यास कर दिया, व्यास माने फैलाव, मैंने बढ़ा दिया वेद को, पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, उसके बाद वेद व्यास, जैसे जैसे पहले गीता प्रेस की दुकान पे रामचरितमानस की एक ही पोथी मिलती थी, और अब सुंदरकांड अलग मिलता है, किष्किंधा कांड भी अलग मिल जाता है, अलग अलग कांड मिल जाते हैं, पहले महाभारत एक ही पोथी थी, श्रीमद भगवद गीता उसी में की तो 700 श्लोक की श्रीमद भगवद गीता अलग मिल रही है, उसी तरह भगवान वेद व्यास ने उसको चार नाम दे दिए। सुंदरकांड अलग रामायण नहीं है, सुंदरकांड रामायण का ही कांड है, उसी तरह से पहले ऋग्वेद ही था, उसको फैला दिया वेद व्यास भगवान, 17वां अवतार और 18वां अवतार के लिए जोरदार जयकारा, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। त्रेता युग के अंतिम चरण में राम का अवतार हुआ भैया, 13,000 वर्ष त्रेता युग बचा था मात्र, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग था, त्रेता युग के अंतिम चरण में भगवान राम का अवतार हुआ था, और त्रेता युग के प्रथम चरण में भगवान वामन का, ये दोनों त्रेता के अवतार थे, इसीलिए 18वां राम अवतार कि करुणा निधान हे दयावान गुणवान तुम्हारी जय हो, तुम्हारी। अरे भैया भागवत कथा में भी बिना राम जी को पुकारे काम नहीं चलता, सुखदेव स्वामी ने खुद ने राम कथा सुनाई थी, राजा परीक्षित को फिर बाद में कृष्ण कथा सुनाई, तो चला राधा गोविंद के अतिरिक्त राम जी को भी पुकार लेते हैं कि करुणा निधान हे दयावान गुणवान तुम्हारी जय हो, करुणा निधान हे दयावान गुणवान तुम्हारी जय हो, ये पीली पगड़ी वाले तेरी जय हो, तेरी जय हो, ये पीली पगड़ी वाले तेरी जय हो, तेरी जय हो, ये नीली छतरी वाले तेरी जय हो, तुम रोए छाती लगा लगा के गिरिराज को वन में, तुम रोए छाती लगा लगा के गिरिराज को वन में, तुम रोए छाती लगा लगा के गिरिराज को वन में, तुम रोए छाती लगा लगा के गिरिराज को वन में, उनके रुधिरों के बूंदों की भारी पीड़ा थी मन में, उनके रुधिरों के बूंदों की भारी पीड़ा थी मन में, हे अति कोमल दिल वाले तेरी जय हो, तेरी जय हो, हे अति कोमल दिल वाले तेरी जय हो, तेरी जय हो, हे नीली छतरी वाले तेरी जय हो, तेरी जय हो, हे पीली पगड़ी वाले तेरी जय हो। सीता राम
सीताराम 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 सीताराम। 18वां अवतार हमारे भगवान श्री राम का हुआ, 19वां अवतार हमारे भगवान बलराम जी का हुआ, और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ, 21वां अवतार भगवान हरि का हुआ, जो मैं आगे अष्टम स्कंध में ग्राह के मुख से जो गज को छुड़ाने की कथा है उसमें हरिणी भगवान की एक माता हरिणी भी उनका ऋषि की पत्नी थी, उनका हरिणी नाम था, इसीलिए भगवान का हरि नाम पड़ा। 19वां बलराम, 20वां 18वां श्री राम, 19वां बलराम, 20वां श्री कृष्ण, 21वां हरि, 22वां हंस, 23वां बुद्ध, 24वां कल के अवतार आगे कलयुग में होने वाला है। ये ऋषियों आपके चौथे प्रश्न का उत्तर था। पहला श्रीकादिक, दूसरा बारह, तीसरा नारद, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल, छठवां दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ, आठवां ऋषभ, नौवां पृथु, दसवां मत्स्य, ग्यारहवां कूर्म, बारहवां धन्वंतर, तेरहवां मोहिनी, चौदहवां नरसिंह, पंद्रहवां भगवान वामन, सोलहवां परशुराम, सत्रहवां वेदव्यास, अठारहवां भगवान श्री राम, 19वां भगवान बलराम, 20वां भगवान श्री कृष्ण, 21वां हरि, 22वां हंस, 23वां बुद्ध, 24वां कल। ये क्रम से लिखे, ठीक है। और जो आप पूछ रहे हैं कि धर्म किसकी शरण में गया, अब आप बताओ भैया, जब भागवत नहीं होगी, जब भागवत के मंच पे ही गाया जाएगा ढोलक मजड़े सितार बलम, तो फिर बताओ धर्म कहां जाएगा? लोगों ने देखा यूट्यूब पे पीछे श्रीमद भागवत, श्रीमद भागवत महापुराण कथा, और गाना क्या गाया जाए जो मैंने अभी बोला, बार बार तो हम भी नहीं गाना चाहते, उसको बोलना चाहते, तो फिर धर्म कहां जाएगा? जिसको आप लोग व्यास बना के मंच पे बिठाएंगे वही कूद कूद के नाचने लगेगा जब नीचे, तो धर्म कहां जाएगा बताओ? उसका रास्ता तो खोलो भाई साहब, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है कलयुग में। हमारे आपके कारण हमने रास्ता बंद कर दिया, हमने धर्म के हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी डाल दी, हमने बड़ा अन्याय किया और रोज करते जा रहे हैं। ए ना सुनो भागवत यार, मत कराओ भक्कथा, कम से कम इसको कुल्हाड़ी तो मत मारो, इसको घाव तो मत दो जी। हाँ, धर्म कम शरणं गता, किसकी शरण में गया धर्म? प्लास्टिक के आम चूसने से रस निकलेगा? दुकान पर प्लास्टिक के आम बिकते रहते आजकल, हम सब लोगों ने धर्म को प्लास्टिक वाला आम बना दिया है, तो रस कहां से आएगा? बोले ऋषियों, भगवान जब जाने लगे तो बोले आज से मैं भागवत महापुराण में मिलूंगा, मंदिर में तो मिलूंगा ही, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मेरा निवास होगा, तो इसलिए भगवान भागवत में रहते। बोले भागवत भगवान की, आहा। सौनक जी बोले गुरु जी, भागवत की महिमा तो बड़ी देर से आप सुना रहे हैं, इसकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। किसकी प्रेरणा से, कहां पर, कब, किस जगह पर, किसने इस भागवत की रचना की? बोले और तमाम पुराणों की रचना वेदव्यास भगवान कर चुके थे, हिमालय की गुफा में, वही बद्रीनाथ धाम में व्यास गुफा है। बाबा नारद जी महाराज की प्रेरणा से वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, अपने सूत आदि जैमिनी आदि शिष्यों को पढ़ाया। हर रचनाकार चाहता है कि उसकी रचना का प्रचार प्रसार हो। और बाद में श्री सुखदेव भगवान इसी भागवत कथा के प्रभाव से राजर्षि परीक्षित को सातवें दिन सर्प के काटने के बाद अधोगति से बचा लेते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, मुक्ति के मार्ग पर खड़ा करते हैं। इसलिए राजन, इसलिए ऋषियों, अब मैं पहले तुम्हें जरा सुखदेव भगवान के जन्म की कथा सुना दूं, जो जो गाय का दूध निकालने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, ज्यादा? एक दो गिलास दूध गाय दे तो मानो एक दो मिनट लगे। मैं जर्सी गाय वाली बात नहीं कर रहा हूं, बाल्टी भर दे दूध किसी काम का नहीं। मैं देसी गाय की बात कर रहा हूं कि जिसका एक चम्मच दूध भी आयुर्वेद है। हाँ जी, हाँ जी।
मैं आदमी की बनाई हुई गाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की बनाई गाय की बात कर रहा हूं। जो सूर्य नाड़ी से सूर्य का प्रकाश खींचती है, इसीलिए गौ माता है ना। गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है ना, उतनी देर केवल आइए आइए। गोंडा से हमारे प्रमोद सिंह ठेकेदार जी, शंभू सिंह जी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं टीम के द्वारा, बैठे हैं। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो। दोबारा जरा पानी को चटपटी कर लीजिए। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। केवल गाय दुही जाती है, जितना समय लगता है उतने समय ही सुखदेव भगवान एक जगह पर खड़े होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जहां जहां उनके चरण पर जाते हैं वो धरती तीर्थ बन जाती है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, ऐसा वक्ता कहां मिलेगा जिसको दक्षिणा नहीं चाहिए, जिसको सम्मान नहीं चाहिए, जो किसी से कोई आशा नहीं रखता, जिसके दर्शन से ही मुक्ति संध्या सामने खड़ी जाती। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज भगवान वेदव्यास और विटिका देवी के पुत्र थे, राधा रानी के गोलोक धाम के लीला सुख थे। भगवती श्री राधा ने कहा तो बेटा थोड़ा धरती लोक में चला जाना हमारे ठाकुर जी का गुणगान करने के लिए। सुखदेव भगवान बोले नहीं माता, मैं गोलोक धाम छोड़ करके नहीं जाऊंगा। राधे रानी के कहने पर प्रेमियों सुखदेव भगवान धरती लोक में आए। आप लोग पहचानते कहां है, कोई महापुरुष समय निकाल के यदि आपका कल्याण करने आए तो ये अज्ञानी जीव तो यही चाहेगा, यही सोचेगा कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने आया। इसीलिए पहले शंकराचार्य जी मिल जाते थे, तुलसीदास जी मिल जाते थे, सूरदास जी मिल जाते थे, कबीरदास जी मिल जाते थे, आजकल कोई मिलता ही नहीं। सूत जी महाराज बोले ऋषियों मैं तुम्हें सुखदेव भगवान के जन्म की कथा सुनाता हूं। इतने बड़े महापुरुष का जन्म धरती पर कैसे हुआ, एक बार की बात है, एक बार की बात। कैलाश पर्वत पर माता श्री पार्वती बैठी थी, भगवान शंकर कहीं भ्रमण करते करते चले गए थे, बाबा नारद जी बीड़ा बजाते हुए चले आ रहे थे। माता पार्वती के कैलाश पर्वत पर विराजी माता जी, नारद जी बीड़ा बजाते चले आ रहे हैं। अरे कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में भज की गुजारा 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 करेंगे, कन्हैया बुखारा करेंगे, कन्हैया बुखारा करेंगे। देवर सुनार कैलाश की तरफ चले जा रहे हैं।
कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, 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 उन्हीं के चरण छित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण छित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया उतारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया उतारा करेंगे, लताओं में ब्रज की लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। भैया बीड़ा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर श्री नारद जी पहुंच गए, नारद जी महाराज पार्वती जी के गुरु, गुरु माने गुरु माने केवल कंठी बांध देने वाला गुरु नहीं होता, जोर से बोलो गुरुदेव भगवान की, बहुत शांति से बैठिए तो समझ में आएगा। ये आगे वाले बड़े गड़बड़, बहुत गड़बड़, हर जगह अनुशासन है, जज के चैंबर में, वकील के चैंबर में, डॉक्टर के यहाँ, हर जगह, कथा में कोई अनुशासन, कथा में कोई अनुशासन नहीं चाहता, डॉक्टर के यहाँ लिखा रहता जूता चप्पल बाहर निकाले चुपचाप बैठा है, गुटखा खा के ना आए, पान खा के ना आए, यहाँ तो बीच बीच में गुटखा भी चलता रहता, रजनीगंधा भी चलती रहती, वाह वाह, और मुक्ति सबको परीक्षित जी वाली चाहिए, धन्य हो। ये कितना कितना कैसा मनुष्य है, ये कितना बैठे बैठे सब कुछ, हर कोई सुखदेव जी का उदाहरण देते, नीरगंगा का फिर से कसैला हुआ और देवताओं का मन आज मैला हुआ, सर्पिणी ने कहा सांप से एक दिन ये आदमी हमसे ज्यादा विषैला हुआ, सांप के काटे भले कोई न मरे लेकिन आदमी काट ले आजकल जरूर मर जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई, सब बड़ी आसानी हो महाराज। एक जजमान मुझे मिला राजस्थान में, मैं नाम नहीं लूंगा, उस जजमान की पत्नी जैसे कथा, अब जबरदस्ती बैठा दिया गांठ वांठ, वो गांठ जोड़ी आती है ये साड़ी में और ये पैंट वाले का मजबूरी में गमछा डालना पड़ता है, तो गमछा में गांठ जोड़ी गई, अब उसको जैसे कोई बांध के बैठा दे, अब वो बेचारी इधर उधर देखे इधर उधर देखे, मेरी कथा नहीं थी दूसरे की कथा, हम तो जाने नहीं देते, वो गांठ खोल के छत पे घूमे, फेसबुक चला हुआ ऊपर जाके, ऐसी तो जजमान की पत्नी भगवान ने बेड़ा पार लगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, घर वाले जबरदस्ती गांठ जोड़ दे, और धर्म पत्नी, ये धर्म पत्नी होगी कहां से, तो लोग ठीक है वाइफ वाइफ कहते, वाइफ से वाइफ आई बढ़िया, कहा है कि धर्म पत्नी, यार धर्म पत्नी का मतलब होता है, धर्म पत्नी का मतलब जानते हो, धर्म का पतन होने लगे तो बचावे जो, वो धर्म पत्नी, पता चले कि अब नहीं कहेंगे, नहीं तो नारियों का संगठन, लेडीज संगठन घेर लेता है आजकल, हालांकि मेरे पास जवाब देने की क्षमता है, कोई घेरे, अगर कोई आप मजाल है कोई सत्य बात भी बोल दे, आपको संगठन, आजकल हर किसी का तो संगठन हो गया, पुरुष का अलग संगठन, महिलाओं का अलग संगठन, हाँ चलिए आइए, वाह वाह भाई वाह, नारद जी महाराज पार्वती जी के गुरु हैं, पार्वती गुरु केवल कंठी बांधने वाला नहीं होता, ये क्या क्या है भाई, आप लोग केवल कंठी पहना दिया कान फूंक दिया बस गुरु हो गए, गुरु का इतने मतलब नहीं है, ये जरूरी है, ये जरूरी है लेकिन इतना ही मतलब नहीं है। आइए थोड़ा रामायण की चौपाई सुनो, कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, केवल शिष्य का धन हरण करे लेकिन दुख हरण करने की क्षमता ना हो वो गुरु नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं, कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु धोर नरक माहु
परई सो गोरे नरके महु पर। चेला इसीलिए गुरु बनाता है कि हमारे गुरु जी हमको नरक नहीं जाने देंगे, लेकिन गुरु पहले नरक चला जाता है। यदि वो धन हरण करने का काम करे और शिष्य का शोक ना, लिखा तो यही है गोस्वामी बाबा तुलसी जी ने लिखा। हाँ, लेकिन तो क्या गुरु जरूरी नहीं है? नहीं नहीं भाई, गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु के बिना तो कल्याण ही नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु तो बहुत आवश्यक है। ये भी लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु के बिना भव सागर कोई पार नहीं कर पाएगा। कैसे कि जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। ये भी लिखा है कि गुरु बिना भव सागर कोई पार नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा और शंकर के जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन वो गुरु भी काम का नहीं होता जो केवल शिष्य का धन हरण करने वाला हो और दुख ना हरण कर सके, तो वो अपने चेले को नरक जाने से क्या बचाएगा, वो खुद नरक चला जाता है। नारद जी महाराज जैसा गुरु नहीं है। नारद जी ध्रुव के गुरु हैं, नारद जी प्रहलाद जी के गुरु हैं, नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं, और नारद जी सीता जी के गुरु हैं। सबको रास्ता बताया है इन्होंने, सबका कल्याण किया है इन्होंने। पार्वती माता खड़ी हो गई, आइए आइए गुरुदेव भगवान प्रणाम करती हूं। इतने दिन बाद हमारे पास भी कोई दीक्षा लेने आते हैं, गुरु बनाने आते हैं, गुरु मंत्र लेने आते हैं, तो हम उससे इतनी शर्त रखते हैं, गुरु पूर्णिमा पे आना ठीक है, गुरु पूर्णिमा का भोजन आश्रम पे करना ठीक है, मांसाहार शराब का त्याग करना होगा ठीक है, भगवान का नाम थोड़ा बहुत रोज, ज्यादा शर्त थोड़े रखते हैं कि 10 बीघा जमीन है, 5 हमारे नाम लिखो तब चेला। यही छोटी मोटी शर्त रखते हैं, तो चेला भी हमसे एक शर्त रखता है, गुरु जी साल में गुरु का एक बार दर्शन होना चाहिए, तो मानो मैं आपके यहाँ आ सका तो कभी आप मेरे घर आएंगे। हमका बिल्कुल आएंगे, हमारे हमारे यहाँ हमारी लिस्ट में गरीब अमीर जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू हो, हमारे यहाँ हिंदू हो, वो चाहे दलित हो, चाहे ये चाहे कुछ मूर्ख लोगों ने जो पहले नियम बना रखा कि भाई इनको नहीं छुएंगे, उनको नहीं, उसमें कुछ कारण था, वो मूर्ख ही नहीं थे। छुआछूत गंदगी, अब कोई गंदगी लगाए हो कहे कि हमको छुओ नहीं तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, नहीं नहीं, भेदभाव गंदगी का होता है, मनुष्य कभी अछूता नहीं हो सकता प्रेमियों, उसके कर्म उसके आचरण अछूते हो सकते। अब कोई शराब पिए हो कहते हम मंदिर में जाएंगे, तो उसको मंदिर में न जाने दिया जाए, तो जितने शराबी हैं वो सब मिलकर पुजारी पे केस कर दे, ये तो कोई मतलब नहीं बनाया, ये जबरदस्ती है। देखिए जो भी नियम बनाए गए हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि कोई मनुष्य अछूता नहीं होता है, कोई मनुष्य गंदा नहीं होता है, यदि वो अच्छे आचरण से है तो हम उसे अपनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ तो भाई हम भी आपके घर जाते हैं, हम भी अपने शिष्यों के घर जाते हैं। तो नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो पार्वती माता बोली, ये गुरु जी आपने तो कहा था कि हम बीच बीच में आते रहेंगे, इतने लंबे समय से आप आए। नारद जी बोले, माता मैं कहीं जाना बंद कर चुका, हर जगह जाना बंद कर दिया। पार्वती माता बोली, ये तो कोई मतलब की बात नहीं हुई, क्यों बंद कर दिया? नारद जी बोले, कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है तो जाऊं क्यों? पति पत्नी से प्रेम करता है स्वार्थ के मत, पत्नी पति से प्रेम करती है तो अपने स्वार्थ के मत, मुझे कपड़ा देंगे, मुझे लाके हार देंगे, मुझे लाके गहना देंगे, मुझे ये सब देंगे, वॉशिंग मशीन देंगे, टीवी कलर फ्रिज, हर महीने तो टीवी बदलने को चाहिए, हस्बैंड को ब्रास बैंड बना देते। माता चारों तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ, मैं क्या करूं जाके? पार्वती माता बोली, आप दुनिया भर की बातें, महाराज हमारे कैलाश पर्वत पे ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमारे भोले बाबा तो पूरे भोले बाबा। हाँ जी, कोई गंगा जल चढ़ा देता है ना तो भी खुश हो जाते हैं, कोई हैंड पाइप का पानी चला चला के चढ़ा देता है तो भी खुश हो जाते हैं, चावल एक मुट्ठी चला दे चढ़ा दे तो ही खुश हो जाए। एक जगह तो गांव में गए, बहुत बड़ा शंकर जी का मंदिर था, एक गांव का आदमी गया, वो शंकर जी के खोपड़ी पे ही कपूर जला दिया, मैंने शिवलिंग पे ही जला दिया आग लगा, पुजारी उजारी दौड़े बोले हट 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 हट, तो भी हमारे भोले बोले शंकर भगवान की, उसने एक कटोरी कपूर ही शिवलिंग पे फूंक दिया। एक भगत बोला, महाराज घंटा चुरा के कोई भाग जाता है तो भी खुश हो जाता है,
हाँ मंदिर में भारी घंटा, तो घंटा चोरी करने वाले भी। एक एक महात्मा दृष्टांत सुना रहे थे। शंकर जी का मंदिर था, सोने का घंटा लगा था, शिवलिंग भी बड़ा ऊंचा था। एक चोर आया, देखा, कहा घंटा मिल जाए तो जिंदगी भर की चोरी छूट जाए। बस जूता पहने पहने भगवान शंकर के शिवलिंग पे ही खड़ा हो गया। वहां कोई सीढ़ी पीढ़ी तो थी नहीं। घंटा खोलने लगा तो शंकर जी प्रकट हुए, बेटा वरदान मांगो। चोर बोला, ये दूसरी मुसीबत कहां से फट पड़ी। मुसीबत ही मुसीबत है यार। जोर से बोलो जय श्री हरि। सारी मुसीबत, ये मुसीबत की दवा है जो आप लोग करना नहीं चाहते। कहीं मत ले जाओ, कहीं मत ले जाओ, कहां कहां ले जाओगे। जहां ले जाओगे हर जगह यही करेगा। इसलिए यही करे तो ठीक है, किसी दूसरे की खोपड़ी क्यों दर्द कराओगे। हमारी ठीक है, हम सह लेंगे, चलो कोई बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वारे माता जी, नाती पोते का मोह नहीं मानता है। चौथा पनाया भजन करना चाहिए, इसको बहू को देके आना चाहिए। बहू भी आजकल ऐसे है, इसीलिए रोटी मिलती नहीं, रोटी ना मिले। जितने तीन चार बच्चे सबको बटोर के दादी कथा में ब्याज के आगे बैठ जाती। बहू बोली चलो सात दिन कथा हुई, झंझट छुट्टी मिल अगर। मजाल क्या है ये सब, ये बुढ़िया लोग एक मिनट कथा ठीक से सुन ली, इतना माया। और जैसे आदमी बुढ़ाता जाता है, माया मोह घेरता जाता है। इसीलिए संतों ने कहा था जवानी में भजन करो भैया, बुढ़ापे में तो माया ही घेरेगी। उतना आप लोग हंस रहे, मैं कह रहा हूं उतना मोह बेटे का नहीं जितना पोते का होता है। और ये जकड़ता ही जाता है जीव, जकड़ता ही जाता है जीव, जकड़ता। ये जो ऋषि महर्षियों ने कहा है, गलत थोड़े कहा। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रभु की कथा ही इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। वो चला भैया, वो घंटा टन से बजा, शंकर जी प्रकट हो गए, बोले बेटा वरदान मांगो। चोर बोला, मैंने तो सुना था कि बरसों बरसों तपस्या करने के बाद भी शंकर प्रकट नहीं होते हैं, हमारे तो एक ही मिनट में प्रकट हो गए। बोले लेकिन बाबा वरदान तो मांगूंगा, लेकिन एक शंका का समाधान करो, मेरी कौन सी भक्ति पे आप रिझ गए, मैं तो चोर हूं। शंकर जी बोले, बेटा मेरे बड़े बड़े भक्त हैं, शंभू सिंह जी आते हैं, लड्डू लाते हैं, नारियल लाते हैं, बेलपत्र लाते हैं, और 10 आदमी और लेके पहुंचते हैं, और गंगा जल से नहलाते हैं। मनोज पुजारी जी तो दिन भर जले चढ़वाते रहते हैं। और कोई कपूर जलाता है, और कोई भांग चढ़ाता है, कोई भजन सुनाता है, और कोई अबीर चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, और तूने तो अपना पूरा शरीर हमारे ऊपर चढ़ा दिया। इससे बड़ा भक्त कौन है, आज तक अपना पूरा शरीर मेरे ऊपर चढ़ाने वाला आज तक कोई भगत नहीं आया तेरे नाम। पार्वती माता बोली, सुना मेरे भोले बाबा को ना। इसीलिए तो मैं भी कहता हूं, अरे काली घटा के अंदर तब काहे ना दो पंक्ति में याद करने भोले ना, कि काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला। सब लोग मेरे साथ गाइएगा, ठीक है ना, गा पाओ तो खाली ऐसे सर हिलाते रहते। अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, आवा तेरी जटा बाबा तेरी जटा में श्री शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा में है गंग धारा। हुकले मुंड मान सागे ससि भाल पे बिरा, गले मुंड माल सागे डमरू की नाथ बाजे, डमरो नाथ बाजे, डमरू की नाथ
ऐसे मेरे भोले बाबा को आप कह रहे हैं कि प्रेम नहीं करते। नारद जी बोले देवी मैंने ऐसा थोड़े कहा कि वो प्रेम नहीं करते। पार्वती जी बोले सब बता देते हैं मुझे। पत्नी को तो पूरी बात कभी बतानी ही नहीं चाहिए। एक चीज नोट कर लीजिए, सब बात मत बताना नहीं तो बहुत बुरे फंसेंगे। मेरे को सब बता देते। पार्वती जी बोली अच्छा। नारद बाबा बोले हम जैसे कथा सुनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, कथा सुनाने के लिए नारद जी प्रसिद्ध हैं, कीर्तन करने के लिए नारद जी प्रसिद्ध हैं, कल्याण करने के लिए लोगों का प्रसिद्ध हैं, हंगामा कराने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जहां दो तीन लोग शांति से बैठे हैं वहां हल्ला गुल्ला जरूर करा देते हैं। नारद जी बोले चलो आज यहाँ भी थोड़ा सा परीक्षण किया जाए। पार्वती जी से बोले सुनो सुनो सुनो, आपके भोले बाबा तो भोले बाबा हैं लेकिन उनके गले में जो माला पड़ी है, पार्वती जी बोले हाँ उसमें मनुष्य की खोपड़ी लगी। खोपड़ी? उसमें बताया तुमको कभी कि किनकी खोपड़ी लगी? पार्वती जी बोली महाराज ये तो नहीं बताया। नारद बाबा बोले तुम्हारे पति से बड़ा कपटी तो इस दुनिया में कोई नहीं होता। अब तो पार्वती जी का चेहरा ही बदल गया। महिलाएं कान की बड़ी कच्ची होती है, कोई कुछ उल्टा सीधा अगर निगेटिव बोल दे उसको तुरंत मान लेंगी, घर में लड़ाई का माहौल। आपको नहीं कह रहा हूं, अभी तक पंडाल में जो नहीं पहुंची है वही है इस तरह की जो मैं बोल रहा हूं। माता पार्वती का मुंह लाल लाल हो गया, पसीने पसीने क्रोध। नारद बाबा बोले माता हमसे क्या मतलब है, कोई प्रेम करे चाहे ना करे, कोई कपटी हो अच्छा हो, अपने क्या मतलब। तुम्हारी इच्छा थी कि मैं कैलाश पर्वत पे हूं सो मैं आ गया है ना। अच्छा चलो चलो नारायण नारायण। बाबा नारद तो चले गए और भगवान शंकर उधर से आ रहे हैं, इधर से नारद जी का दोनों का मेल हो गया। नारद जी बोले भोले बाबा प्रणाम करता हूं। भोले बाबा बोले खूब कल्याण हो जिससे सबका कल्याण कर रहे हो। वो तो दूर से देख रहे हैं। नारद बाबा बोले कुशल मंगल तो है ना भोले ना। शंकर भगवान बोले तुम जाओ, कुशल ना हो तो तुम्हारा जाने बेकार। शंकर भगवान तो जान गए कुछ ना कुछ विस्फोट करके आया, ये इसका काम है यही। शंकर भगवान जब ऊपर पहुंचे तो माता श्री पार्वती काला काला कपड़ा पहने कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे बिल्कुल चुपचाप लेटी रो रही थी। भगवान शंकर बोले देवी उठो उठो, तुम्हारे गुरु जी के गुरु मंत्र का प्रभाव है। ऐसा गुरु भगवान करे सबको मिले कि घर में हल्ला मचे। पार्वती माता बोली गुरु जी ना आए होते तो मुझे मालूम ही ना पड़ता कि तुम इतने बड़े कपटी हो। हाँ शंकर जी बोले कुछ ना कुछ तो मालूम कराएगा ही, उसका तो अर्थ ही है, लेकिन कपट कैसा। पार्वती माता बोली महाराज ये बताओ कि जो गले में आपके मुंड माला है महादेव, उसमें किसके किसके सर लगे हैं? आपने अपनी पत्नी को नहीं बताया। शंकर भगवान बोले तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये भी तेरा गुरु बताना भूल गया, फिसल गया कहीं नहीं कहीं, तुमने पूछा ही नहीं तो हम बतावे कैसे। और स्मृतियों में लिखा है नोस प्रष्टया कस्यचित ब्रूयात, बिना पूछे कुछ भी नहीं बताना चाहिए। बोलो कुछ पूछो ना तो ही शुरू हो जाते। महाराज मेरा मझला लड़का आपकी डांस में अव्वल नंबर लाया। ये मेरी लड़की महाराज इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ती, इसको नमस्ते वमस्ते करना नहीं आता महाराज। हमने कहा डूब मरे चुल्लू में पान पान अपने शुरू हो जाए। मजाल क्या है कि आपको ही भागना पड़ेगा, वो बंद नहीं होने वाले। आप उनकी खेती पाती बगिया नातेदारी रिश्तेदारी ससुराल ननिहाल इतना किसके पास टाइम है जी। संतों का क्षण अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो बिना पूछे कुछ बोलना नहीं चाहिए। इसलिए तुमने पूछा नहीं तो मैं बताया नहीं। पार्वती बोली अब तो पूछ रही हूँ, अब तो बताओ किसके सर। शंकर जी ने सोचा कि अब बता देंगे तो बड़ी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन ये भी उल्टे आज माहौल ही कुछ ऐसा ही है, आज संजोग ही कुछ ऐसा। शंकर भगवान बोले देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ ना कि तुम जब जब मर जाती हो ना तो तुम्हारा सर काट लेता हूँ माला लगा लेता हूँ। अब तो पार्वती जी माता दूना क्रोध में हो गई। अब किसी को कोई कह दे कि तुम जब जब मरते हो तुम्हारी खोपड़ी में माला बना लेता हूं, इतना प्रेम करता हूं। पार्वती माता बोली तो गुरु जी इसका मतलब सही कह रहे थे, तुम हो ही कपट। आज तक ये नहीं बताया कि मैं मरती हूं, तुम क्यों नहीं मरते भाई। मेरा मरना और आपका ना मरना, इसमें क्या रहस्य है महादेव।
महादेव जी ने सोचा लो समझाओ, किसी तरह समझाना तो पड़ेगा। बोले देवी मैं अमर कथा जानता हूँ। पार्वती बोली तो मुझे क्यों नहीं सुनाया? शंकर भगवान बोले तो कथा के लिए पूछना पड़ता है। पार्वती माता ने रामायण में पूछा था, अरे रामा कथा सब रामायण के जानकार बैठे, जो सकल लोक हितकारी। पार्वती जी ने पूछा था, अरे रामा श्यार पेट की रोटी के बारे में, लेकिन मैं उनके बारे में पूछूंगी कि जिनके घर में रोटी ना हो, जिनके घर में कपड़ा ना हो, जिनको शांति ना मिलती हो, वो केवल कथा भगवान की दे सकती है। आपके मन को शांति केवल आपके सोने के गहने से नहीं मिलेगी, भगवान की कथा से मिलेगी। बोलो जय श्री हरि। पार्वती माता बोली महाराज हमने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं, तो अब तो पूछ रही हूँ, अब तो कथा सुनाओ। शंकर भगवान बोले यहाँ नहीं सुनाऊंगा, यहाँ कोई ना कोई आ जाता है, कभी नंदी आ जाएगा तो कभी भृंगी आ जाएगा तो कभी कोई आ जाएगा तो कभी कोई कोई संत महात्मा आ जाए, कभी ब्रह्मा जी आ जाए। पार्वती जी बोली तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कोई नहीं आएगा? शंकर भगवान बोले कथा सुनना है तो उठो 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 आगे चलो। कैलाश से उठ के और आगे चले, आंख बंद करो प्यारे, जरा ये दृश्य देखो। एक बहुत अद्भुत अंधेरी गुफा थी, उसी में घुस गए। बैठा बोले और सुनो, मैं कथा सुनाता हूं तो आंख बंद कर लेता हूं, और मुझे पता चले कि तुम कथा सुन रही हो तो तुम हूं हूं करती रहना, है ना, और नहीं तो मैं कथा बंद कर दूंगा। अमर कथा जहां सुनाई प्रेमियों, ये कथा इतनी कीमती है जिसको शंकर जी सबके सामने नहीं सुना रहे थे, और आपको हम कैसे सुना रहे हैं माइक लगा के। गांव वाले क्या कहते हैं, हारन की आवाज मेरे घर तक, मतलब उनके घर तक आवाज जानी चाहिए, जो शंकर जी ने छुपा के सुनाई थी। संतों ने हारन भी लगा दिया, माइक भी लगा दिया, पंडाल भी लगा दिया, और सबको आने के लिए छूट भी दे दी। अब क्या चाहते हो, इतने पर भी आप कथा ना सुन पाओ तो इसमें किसी की क्या गलती है? जिस गुफा में अमर कथा सुनाई थी, बोलो अमरनाथ भगवान की, वही अमरनाथ की गुफा है प्यारे, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु जाते हैं। कथा शुरू किया, पार्वती जी हूं हूं करते रहे ना, ठीक है ना, अरे सब चलो रे, नंद के घर में भगवान हमारे लाला का जन्म हुआ है। अमर कथा शुरू कर दी। अमर कथा ये भागवत ही है, ये भगवान का चरित्र ही है। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। अरे लाला के दर्शन करिया में, ओ लाला के दर्शन करिया में, लाला के दर्शन करिया में। नहीं सुना रहे थे जैसे हम सुना, हम तो आप लोगों को थोड़ा सा रिझाने के लिए शैली बदल देते हैं, है ना, थोड़ा बाजा गाजा का भी सहारा ले लेते हैं। ये हमारे नारद बाबा की शैली है। अरे लाला के दर्शन करिया में, 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 दर्शन करिया चलो रे चलो रे हम चलो रे नंद के द्वारे, हम पारे लाला के दर्शन करिया।
के पलने में कृष्ण कन्हैया लाल को लिटा दिया गया है। गोपांगनाएं और ग्वाल बाल भगवान को झुला रहे हैं। नंदोत्सव बड़े दिव्य रूप से मनाया जा रहा। पार्वती हाँ हाँ कर रही, हूँ जी हाँ जी हाँ जी। आगे क्या हुआ? भगवान ने पूतना के अस्तन को चूस कर मार डाला, तृणावर्त का गला दबा कर मार डाला। किशोरावस्था की लीला में भगवान ने भगवान जैसी लीला करी। काली नाग के सौ फणों को नाच कर उस पर नृत्य किए और यमुना से निकल जाने का उसको आदेश दिया। पार्वती पार्वती जी हाँ हाँ कर रही है। अघासुर का, बकासुर का, केसी भौमासुर का, धेनु का, सुर का वध किया। देवी भगवान ने कंस का बाल पकड़कर उसकी सभा में पटक दिया। अपनी माता देवकी के बाल पकड़ने के अपमान का बदला भगवान ने ले लिया उसकी सभा में आतताई के। पार्वती जी ने कहा बहुत अच्छा किया महाराज, दुष्टों का यही हाल होना चाहिए। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। काल यमन का भगवान ने वध किया। मुचकुंद जी महाराज के नेत्र ज्योति की ज्वाला से द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया। भगवान की 16,108 रानियों से वो महल सुशोभित हो रहा था। भगवान के पुत्र पौत्र आदि से पूरी द्वारिका भर गई। पार्वती हूं हूं कर रही थी। इसके बाद एकादश स्कंद आ गया। एकादश स्कंद थोड़ा सा थोड़ी व्याख्या कठिन, वैसे भागवत पूरी ही कठिन है, हम आपको बता चुके हैं। उसमें आत्मा की व्याख्या करने लगे। आत्मा स्थूल शरीर से पृथक है पार्वती, आत्मा सूक्ष्म शरीर से पृथक है पार्वती। पार्वती जी ने कहा अभी तो बढ़िया बढ़िया सुना रहे थे, अभी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और तीन अवस्था अवस्था ये सब क्या होने लगा। तो पार्वती जी का मन थोड़ा थोड़ा ढीला, आदमी जब ढीला हो जाता है ना तो उसको नींद आने लगती है। अभी कहां आ रही है? लेकिन हम तो कहीं कहीं कथा में देखते हैं कि 100 में से 40 तो सोते ही रहते हैं। आदमी जैसे ढीला होगा तो सबसे पहले वक्ता ढीला होता है, तब श्रोता पहले नहीं ढीला होता। वक्ता ढीला हुआ तो श्रोता भी सुस्त हुआ, और सुस्त हुआ तो सोएगा और क्या करेगा, ढोलक थोड़े बजाएगा, फिर तो सोएगा। पार्वती जी को जो कथा थोड़ी गूढ़ हुई ना तो थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, जैसे सोने लगे। अब सो जाए तो हूं हूं थोड़े हो रहा, हूं हूं बंद बंद हो गया। अब बंद हो गया तब अब शंकर जी ने तो पहले ही कहा था अगर तुम हुकारी भरना बंद कर दोगी तो मैं कथा बंद कर दूंगा। माताओं उसी बरगद के पेड़ के गड्ढे में एक इतना बड़ा अंडा पड़ा था। किसका अंडा था? नहीं यार तुम तो गजब भाई नहीं, कबूतर इनको पसंद होगा ज्यादा। फिल्म में सुन लिए होंगे कबूतर का ज्यादा प्रयोग हुआ। वो तोता का अंडा था, लेकिन ये संसार वाले तोता का नहीं जो 25 रुपए में बिकता है, वो वाला नहीं। वो अंडा फूट गया कथा के प्रभाव से। अंडे में से तोते का बच्चा निकला। उसने सोचा तो गड़बड़ हो गया, कथा तो बंद हो जाएगी, तो लो हम ही हाँ हाँ करें वो हो गई है ना, तो तोता ही हाँ हाँ करने लगा। हाँ जी हाँ जी। इसके बाद में नव योगेश्वर संवाद की कथा सुनाई, अन्य अन्य भगवान के महाप्रयाण की कथा सुनाई, और जब कथा समाप्त हो गई तो भगवान शंकर बोले, क्या बोले? बोला द्वारिकाधीश की जय। तोता भी ऊपर से जय बोला तो पार्वती जी क्या हो? हाँ महादेव, वो आत्मा के संबंध में आप क्या बता रहे थे कि सूक्ष्म शरीर स्थूल? शंकर भगवान बोले पागल वागल तो नहीं हो गई? ये तो कब का हो गया? पार्वती माता बोले महाराज मैं यही सो गई, इसी पर सो गई थी मैं। शंकर भगवान उठे, त्रिशूल उखाड़ा, जिस डर के मारे तुमको मैं यहां लाया। यहां भी तीसरा कोई सुनने वाला था? ये सुनना नहीं है पार्वती, ये अमर कथा की चोरी है। तब तक तोते के अंदर इतना ताकत आ गई थी कि उड़ने लायक वो अमर कथा का प्रभाव। एक तो पेड़ आप सीधे मिट्टी में लगा दो, दूसरे आप उसमें कुछ खाद वाद देते रहो, थोड़ा सा उसमें न्यूट्रिएंट्स देते रहो तो ज्यादा मोटा तगड़ा होता है। तोते में राम अमर कथा के प्रभाव से बल आ गया, उड़ा। और तोता भी बड़ा दिव्य था, वो ट्यू 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 करता हुआ नहीं उड़ा, वो उड़ा। शंकर भगवान दौड़े, अंदर अंदर भगवान शंकर हंस रहे हैं, वो जानते हैं कि ये तोता कोई साधारण नहीं है। इसी तोते के मुखारविंद से इस धरती के जीवों को श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने को मिलेगा। महादेव नहीं जानेंगे, प्रेमियों तो कौन जानेगा। लेकिन वो तोता भागा, वो चिल्लाता हुआ नहीं, वो कीर्तन करता हुआ भागा।
बोलो राधे राधे, अरे राधे राधे राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे, चलो चलो राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा, ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो राधे राधे राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा बेड़ा हो जाएगा। राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, बेड़ा पार हो जाए। जय श्री नारायण, जय श्री राधे, जय श्री नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितने जोर शंकर जी भागे उतने जोर वो भागे, और तोता बोले ओम नमो भगवते। ओ पार्वती मैया बोली, ज्यादा कसरत मत करो, लौट आओ तुम पकड़ नहीं पाओगे। आज बहुत ओम नमो भगवते वासुदेवाय करे, जो बहुत श्रीमन नारायण करे वो त्रिशूल फिर तुम तुम्हारा कुछ नहीं, वापस आ जाओ। बेचारे शंकर भगवान वापस आ। भगवान वेद व्यास की पत्नी बिटिका देवी के मुख में सूक्ष्म रूप में वो तोता योग बल के द्वारा प्रवेश कर गया और 12 वर्ष तक ऐसे बैठ गया, अंदर पेट में जाकर बैठ गया। वो तोता वो कोई चिड़िया नहीं था जी, आसन लगा कर बैठ कर अपने माँ के गर्भ में वो 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 वेद मंत्र बोलने लगता। ओम हरि ओम सहस्रधे रघा जोर जोर से दिव्य वेद मंत्रों का उच्चारण वो शिशु सुख सावक माता श्री बिटिका देवी के उदर में करने लगता। माता बोली, महाराज ये क्या है, ये कैसी आवाज है। वेदव्यास भगवान बोले, देवी घबराओ मत, क्योंकि पुत्र वती जुबती जग सोई, पुत्र वती जुबती जग सोई, पुत्र वती जुबती जग सोई, पुत्र वती जुबती जग सोई। रघुपति भागत जासु सुत होई, 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 पुत्रवती जुबती जग सोई, जुबती। वास्तव में तुम पुत्रवती हो मां, पुत्र का अर्थ यही है, पुम नामने नरकात यात्रायते सपुत्रा। एक बेचारे पंडित जी थे, तो पंडित जी बड़े धर्मात्मा बड़े विद्वान थे, लड़का ठीक नहीं था, जैसे आत्मदेव महाराज की पत्नी ठीक नहीं थी, ऐसा हो जाता है। लड़का कक्षा 10 में 3 बार फेल हुआ, चौथी बार फेल होने की बारी थी। पंडित जी बोले, अगर इस बार फेल हुआ ना तो मुझे पिताजी मत बोलना, बताई देता हूं ठीक नहीं होगा, मैं तेरा बाप नहीं तो मेरे बेटा। फेल तो होना था, फेल हो गया। अब बाप तो बाप बेचारा बोले, बेटा क्या हुआ, रिजल्ट आया। अब उन्होंने मना कर रखा था कि पापा मत बोलना, तो लड़का बोला, दिमाग मत खराब कर मदन लाल, तूने बाप कहलाने का गौरव समाप्त कर दिया, मतलब हम चौथी बार भी। हाँ, ऐसे बेटों की तो भरमार है, लेकिन
जिनका बेटा राष्ट्रभक्त हो, भक्त माने वो किसी का भक्त हो, मतलब भक्त शब्द बड़ा ऊंचा है। यदि वो भगवान का भक्त होगा तो आपका भी भक्त होगा, है ना। यदि भगवान का भक्त होगा तो राष्ट्र का भी भक्त होगा, संस्कृति का भी प्रेमी होगा, धर्म का, भगवान का, सबका होगा वो। भाई रास्ता तो एक ही सबका है ना, राष्ट्र की भक्ति भी परमात्मा की भक्ति। सुखदेव स्वामी से वेद व्यास जी बोले बेटा संसार में जन्म क्यों नहीं लेते। सुखदेव स्वामी बोले पिताजी आपकी माया बड़ी ठगनी है, हम जैसे जन्म लेंगे तैसे पकड़ लेगी हमको, कोई कहेगा मेरा भतीजा है, कोई कहेगा मेरा भाई है, कोई कहेगा मेरा बेटा, मैं यही तो नहीं चाहता। वेद व्यास भगवान बोले वचन देता हूं मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी। अच्छा तब तो ठीक है। तैसे सुखदेव जी जन्म हुआ, सुनो मेरी बात, वो उठ के खड़े हो और जंगल की तरफ चल दिए। वेद व्यास भगवान बोले बेटा सुनो थोड़ा तो रुको। सुखदेव जी बोले कि माया ही नहीं पकड़ी तो थोड़ा और ज्यादा क्या होता है। यहां कोई किसी का पिता नहीं है, हे पिताजी कोई किसी की मां नहीं है, सारा माया का झूठा संसार, काय के लिए मुझे फंसाना चाहते हो। कि पानी के बबूले सी तेरी जिंदगानी है, नेकी ओ बदी किया रह जाती निशानी है, साथी कोई किसी का नहीं, चाहे गुरु चाहे चेला है। दुनिया का मेला है, सब झूठा ही झमेला है, दुनिया का मेला है, सब झूठा ही झमेला है। यहाँ आया अकेला जो उसे जाना अकेला है, यहाँ आया अकेला जो। सुखदेव स्वामी वन की तरफ चले गए। बाद में जैमिनी आदि सूत आदि के प्रयास से वो पिताजी के आश्रम पर वापस आए। वेद व्यास भगवान ने उनको भागवत पढ़ाया और इसी भागवत महापुराण की महिमा से राजर्षि परीक्षित को मुक्ति दिलाने में महात्मा श्री परम वीतराग संत सुखदेव जी महाराज सफल हुए। सोनक जी बोले गुरुजी जिन्होंने इस भागवत को 7 दिन बिना कुछ खाए पिए सुना। राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ था महाराज? सूत जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म आदि की कथा सुनाई। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, भीम की गदा से कौरव पुत्रों की जंघाएं तोड़ डाली गई थी, दुर्योधन घायल अवस्था में सरोवर के किनारे पड़ा था, उसको वरदान था जब दुख चिंता और खुशी प्रसन्नता दोनों एक साथ होगी तो ही मरेगा। इतने में अश्वत्थामा आ रहा था, दुर्योधन बोला मैं तुझे हस्तिनापुर का राजा बना दूं और तू मेरा बड़ा पुराना मित्र है, मेरा एक काम कर। अश्वत्थामा बोला क्या? पांचों पांडवों की यदि खोपड़ी काट लाना, शिविर लगा हुआ है, पांचों पांडव सो रहे हैं, उनका यदि सर काट कर लिया तो मैं तुझे हस्तिनापुर का राजा बना दूं और मैं मर जाऊं। अश्वत्थामा तलवार लेकर के चला। रात का समय था, प्रेमियों पांचों पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण, भगवान जिनको बचाने वाले उनको मार कौन सकता है, पांचों पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण कहीं अलग चले गए। बचे कौन? द्रौपदी के पांचों बेटे पांडवों के। सोते हुए पांचों पांडवों के पुत्रों का सर मस्तक अश्वत्थामा रात में तलवार से काट करके कपड़े में बांध के लेके भागा। टप 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 रक्त गिर रहा था।
दुर्योधन बोला कि ले आया क्या? बोले बिल्कुल ले आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन लाओ देखें तो, खोल कर कपड़ा देखा तो पांचों पांडवों के स्थान पर उनके बच्चों के सर थे। दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ। अधम ब्राह्मण, ये तो मेरा कुल ही समाप्त हो गया, मेरा वंश ही समाप्त हो गया, अब तो क्या मरना क्या जीना। वही बड़ा दुखी हुआ। दुर्योधन मर गया। इतने में द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर दौड़े, अर्जुन से बोले पकड़ो इस अधम ब्राह्मण को। जय हो, अधम ब्राह्मण को पकड़ो, इसने पांच बच्चों की हत्या की है। हाँ हाँ, यहां यही बैठे थे क्या? आइए आइए, हमारे बड़े अनन्य सहयोगी कृष्णकौल मिश्रा जी आइए, चलिए। अर्जुन भगवान श्री हरि रथ लेकर दौड़े, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने लगे और भगवान ने उनको अपने योग बल से शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का बाल पकड़ा और रथ में बांध दिया। भगवान बोले अर्जुन मत्तम प्रमत्तम नमत्तम, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा नशे में मतवाले को। कोई दो लीटर शराब पिए हो, मान लो आपको गाली दे दे, तो यदि आप उसे मारने लगे तो आप भी उसी नशेड़ी की लिस्ट में आ जाएंगे। हाँ छोड़ देते हैं, अरे वो नशे में है, नशे में मतवाले। भागवत में क्या लिखा है? मत्तम नशे में मतवाले को, प्रमत्तम नमत्तम। असावधान को, पागल को, मत्तम प्रमत्तम नमत्तम, सुप्तम सोए हुए को, बालम बच्चे को, स्त्रियम स्त्री को, जड़ को, प्रपन्नम शरण में आए हुए, इतने लोगों को नहीं मारना चाहिए। हे भैया, वीर लोग इतने लोगों पर हाथ नहीं उठाते। अर्जुन बहादुर जो होते हैं वो वीर जो होते हैं, मत्तम प्रमत्तम नमत्तम, सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम। कितनी बढ़िया बात कही। नरिपम हंति भी धर्मवत, नशे में मतवाले को, असावधान को, पागल को, सोए हुए को, बच्चे को, स्त्री को, जड़ को, शरण में आए हुए को, भयभीत हो गया हो उसको, जो डर गया हो, फिर काहे की लड़ाई भाई, जो डर ही गया और रथ से हीन हो गया हो, जो जिसकी तलवार टूट गई हो। इतने लोगों को वीर नहीं मारते अर्जुन, लेकिन ये अधम ब्राह्मण बड़ा अत्याचारी है, इसने पांच बच्चों की हत्या की है, इसको तुरंत मार डालो। सूत जी बोले ऋषियों, ये तो भगवान ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए कहा था। केवल अर्जुन भी गीता सुन चुके थे, कोई अबोध नहीं थे। अर्जुन के मन में गुरु के पुत्र को मारने की बिल्कुल इच्छा, इतना बड़ा पाप किया उसने। कोई किसी के बच्चे को एक थप्पड़ भी मार दे ना, चाहे कितना बड़ा ब्राह्मण हो महाराज, वो सीधे लाठी लेके सामने आ जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? पांच पांच बच्चों की हत्या की है प्रेमियों, लेकिन धर्मात्मा अर्जुन के मन में वो बांध के ले आए। बोले भैया, बोले केशव क्षमा करिएगा सरकार, बेटे पांचों पांडवों के थे, मानो मैं अभी इसको मार दूं और भीम भैया हम पे गदा लेके टूट पड़े। तूने क्यों मारा मेरे गुरु के बेटे को? धर्मात्मा युधिष्ठिर मेरे से बोलना बंद कर दे। हो अर्जुन, भगवान बोले हम तो सोचे थे तूने ऊपर ऊपर गीता सुनी है रे, लेकिन तू तो गीता को अंदर ले गया। बोलो जय श्री हरि, तूने सही में गीत सुनी है। आ द्रौपदी, भगवान आवाज लगाए, द्रौपदी बाहर निकलो। एक बात मैं कहा करता हूं, सेवा में सुकन्या के समान, सेवा में सुकन्या के समान, सत्यता में अनुसुईया के समान, दृढ़ता में दमयंती के समान, शील में सुलोचना के समान, सतीत्व में सीता के समान, नेम प्रेम में राधिका के समान, ब्राह्मणत्व में वामन के समान, नियम में श्री राम के समान, संयम में परशुराम के समान, ब्रह्मचर्य में भीष्म के समान, योग में श्री वशिष्ठ के समान और रणनीति में श्री कृष्ण के समान इस धरती पर कोई नहीं। ए अलग ए ऐसे रणनीतिज्ञ हैं श्री कृष्ण। बोले द्रौपदी बाहर निकलो, तेरे बच्चे की हत्या करने वाला आ गया, क्या किया जाए? इसको मारा जाए?
द्रौपदी बोली अब इनको मारने से मेरे बच्चे वापस नहीं आएंगे, इसलिए मुच्छता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु उपक्रमोपसंहार आपको आपको इनके पिता ने हाथ पकड़कर धनुष चलाना सिखाया था, उन्हीं का बेटा सामने खड़ा है। ए पांचों पांडवों को इशारा करके द्रौपदी ने कहा आरे पुत्रों ये मर जाएगा तो बेचारी इसकी विधवा माँ जो सफेद धोती लपेटे घूमती रहती है, और द्रोणाचार्य के मरने के बाद वो सती होने जा रही थी अश्वत्थामा की माँ, लेकिन इसी बच्चे का मुंह देख करके वो बेचारी जिंदा रही, तो मारना था तो उसी समय उसको सती हो जाने दे, इसको मार दोगे तो कल को वो भी मर जाएगी। द्रौपदी द्रौपदी जी की ये प्रतिक्रिया रही। युधिष्ठिर के पास अर्जुन गए, पैर पकड़ के बैठ गए, बड़े भैया बड़े धर्म संकट में पड़ा हूं जी, ये बाल हत्यारा भी है और ब्राह्मण भी है, इसको क्या किया जाए। युधिष्ठिर बोले भैया पढ़े लिखे तो तुम लोग भी हो, शास्त्रों में देख लो जो लिखा हो सो करो, अपन इस झमेले में पढ़ने वाले नहीं, धर्मराज तो धर्मराज। भीम की तरफ अर्जुन गए, मझले भैया क्या किया जाए, इसको छोड़ा जाए कि मारा जाए। भीम बोले छोड़ के तो देखो, दौड़ा के एक गदा मारूंगा खोपड़ी फट जाएगी। भीम तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, भीम तो भीम ही है, है? सारा निर्णय भीम कैसे कर सकते हैं। नकुल सहदेव ने भी कहा हाँ हाँ मझले भैया ठीक करे, मझले भैया ठीक करे। भगवान श्री कृष्ण बोले हमसे जब कोई पूछेगा तो बताएंगे ना, आप बीच में क्यों जाएं, पांचों भाइयों का मामला है। अर्जुन बोले प्रभु अब पांचों भाई किना अलग 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 उत्तर दे रहे हैं, एक मत नहीं, अब आप ही बताओ ना प्रभु क्या करें इसको। भगवान बोले ऐसा करो ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको तुरंत मार डालो। भीम बोले हम भी तो यही कह रहे हैं, उसमें निर्णय देने की कौन सी बात है, लेकिन सुनो ये ब्राह्मण है इसलिए इसको तुरंत छोड़ दो। ये भीम बोले कन्हैया ये दो तरह की बातें काहे को करता है, या तो कह दे मार दो या तो कह दे छोड़ दो। भगवान बोले इस तरह दो इसलिए दो तरह की बातें करते हैं भीम भैया कि ये दिमागी कसरत है थोड़ी सी, वो आपके बस की बात नहीं है, आप तो चलो शरीर वाली कसरत करो, दिमाग वाली कसरत अर्जुन को करने दो। अर्जुन क्या लिखा है शास्त्रों में कि बपनम द्रविड़ादानम, ब्राह्मण को कैसे मारा जाता है, ब्राह्मण का सर नहीं काटा जाता, ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती, उसका बाल छील दो, उसका धन छीन लो, उसको अपशब्द करके भगा दो, इतने पर भी यदि ब्राह्मण नहीं मरेगा तो ब्राह्मण नहीं है। अर्जुन ने क्या काम किया, अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूछ मुड़ दी, मड़ी जो पहन करके आया था अश्वत्थामा उसको खोद करके निकाल लिया, धक्का दे करके भगा दिया। भगवान श्रीहरि अब द्वारिका चले हैं, द्वारिका चले हैं भगवान रथ लेकर के, गंतुम कर्तमतिर ब्रह्मन् द्वारकाम रथमास्थिता उपलेभे विधावंती उत्तराम भय भेबलाम। भागवत जी में लिखा है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्, इसी अध्याय का श्लोक है। भगवान जब रथ लेकर चले तो एक देखा 20 वर्ष की सुंदर स्त्री, लेकिन विधवा थी, सफेद सफेद धोती पहने, उसके गर्भ में एक बालक था। अब वो स्त्री दौड़ी चली आ रही कन्हैया, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले कि हम हैं अधम जनों के सरदार है कन्हैया, हम हैं अधम जनों के सरदार है कन्हैया, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, हम हैं अधम जनों के सरदार है कन्हैया, अधम जनों के सरदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया भपार है कन्हैया। अर्जुन मेरी सरदार है कन्हैया, अर्जुन मेरी
मेरी सुन लो दिलदारी कन्हैया, दिलदारी है कन्हैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, 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 वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। करुणा ये नाम होगा बेकार है कन्हैया, करुणा ये धमकी नैया, करुणा ये धमकी नैया बेकार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार। उसके उधर में एक बालक और सफेद वस्त्र पहने वो विधवा नारी, कन्हैया हरिद्वार का अधीश ये लोहे का बाण। ओ भगवान बोले, अरे नीच हमारे दुष्ट, तेरे मैंने प्राण बचाए, तेरा हथियार उठा तो एक बेचारी निर्बल स्त्री, वो बेचारी स्त्री रो रही, कन्हैया मेरे गर्भ के बच्चे को बचा लो। सूत जी बोले, ऋषियों नेत्र बंद करके झांकी देखो, करुणा निधान भगवान अपने रथ से कूद पड़े। वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री चक्रव्यूह के नवे द्वार में मारे गए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। भगवान बोले, बेटा चिंता मत कर, पापी का पाप षड्यंत्र कभी सफल नहीं होता, नहीं तो ये थोड़ी देर बाद में भी ब्रह्मास्त्र चला सकता था, लेकिन मेरे सामने गदा लेकर भगवान कूदे। बोले, अपने मन में थोड़ा मात्र भाव का स्मरण कर, तू भगवान अंगूठा है ना, भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है अंगूठे के आकार के भगवान ने अपने रूप को बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। वो बालक ऐसे जो गर्भ में पड़ा था ना, उसके चारों तरफ गदा घुमाने लगे, जोर से गदा घुमाने लगे। साक्षात श्रीहरि नारायण उस गर्भ के बालक की रक्षा कर रहे। थोड़ी देर में ब्रह्मास्त्र शांत होकर वापस चला गया, भगवान गर्भ से बाहर निकले। ये चमत्कार कोई देख नहीं पा रहा था। प्यारे भगवान की एक बहुत महान भक्त थी, वो भी सफेद धोती पहने चुपचाप खड़ी कांप रही थी, थर 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 उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, उनके होंठ कांप रहे थे, उनके बाल सफेद थे और उनकी दोनों आंखों से अश्रुबिंदु गिर रहे थे। वो तीनों पांडवों की जो माँ थी श्री कुंती माता, वो भगवान की बुआ, वो दूर खड़ी देख रही थी कि हमारे वंश के बीज को, हमारे वंश के दीप को श्री गोविंद ने बुझने से बचाया। हाथ जोड़ती लड़खड़ाती हुई कृष्ण के सामने आ गई कुंती माता। आपने हम पर सदा कृपा की नारायण, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। कि नमः कमलनाभाय, कुंती माता बोली, गोब्राह्मण हिताय च कि जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे अच्युत, हे विधवा नारी कुंती, आपको प्रणाम करती है। भगवान बोले, बुआ हमको काय को लज्जित कर रही हो, आप मेरी बुआ, मैं रोज मैं आपको प्रणाम करता हूं। कुंती बोली, मैं आपकी जितनी बुआ हूं और तुम मेरे जितने भतीजे हो वो तो आप जानते हो, मैं जानती हूं, ये दुनिया क्या जाने। भगवान बोले, अच्छा तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है, जब आप मेरे को बार बार भगवान 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 कह रही हो तो बुआ वरदान मांगो, हम आप होते तो तमाम वरदान मांग जाते, मेरे बाद मेरे बेटे सुखी रहे, मेरे बेटा के बाद मेरा पोता सुखी रहे, 50 बीघा जमीन से 100 बीघा हो जाए महाराज। और कभी कोई कुंती माता ने क्या वरदान मांगा? कि विपदा हसंतु न हसस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मेरी जिंदगी में जब जब दुख आया केशव तब तब तू मिला रे। हा?
लगता है कन्हैया अगर दुख नहीं आता तो तू नहीं मिलता, इसलिए जो तुझे मिला दे वही चाहिए मुझे। कबीर बाबा से पूछा गया तो कबीर बाबा ने भी यही कहा कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि देत भुलाए, अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हर देत भुलाए, ये जन साधारण के अस्तर की बात नहीं है, ये जो भगवान के परम विरक्त भक्त हैं उनकी बात है। नहीं तो दुनिया वाले यज्ञ करते पूजा करते सुख ही मांगने के लिए करते हैं, अगर उनको कोई कह दे कि दुख मिलेगा तब तो फिर आरती में एक रुपए का सिक्का भी नहीं डलेगा कभी, है दुख क्यों मिले। विपदा हसन तो नहा सत्तर सत्तर जगत गुरु भवतो दर्शनम लोके अपुनर्भव दर्शनम, भवतो दर्शनम यत्साद अपुनर्भव दर्शनम। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन जी ने भी भगवान की भक्ति मांगी और नकुल सहदेव ने भी यही मांगा, प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें, मेरा भाग्य है कि आप मुझे मिले हैं। अच्छा युधिष्ठिर भैया जो है युधिष्ठिर महाराज से पूछा दद्दा आप भी कुछ मांगो। युधिष्ठिर जी रोने लगे और बोले अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मनः पारक्यशैव देहस्य बहवो मे क्षोहणी हता। श्री कृष्ण ये राज भोगने के लिए कितनी लड़ाई हुई रे। युधिष्ठिर बोले क्या है सब है? कितने बच्चों के पिता मारे गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, पाप करो फिर यज्ञ करो फिर पाप करो फिर यज्ञ करो, यही धर्म है। युधिष्ठिर जी बोले अच्छा एक बात बताओ भैया, नाली में फिसल के आपका पैर गिरे और सफेद सफेद पैंट में वो काला काला नाली का पानी घुटना तक लग जाए तो एक लोटा लो और नाली का पानी भरो और घुटना वो कपड़ा धो साफ होगा और काला काला होता जाएगा और काला काला होता जाएगा। यथा पंकेन भागवत जी में भी लिखा है यथा पंकेन पंकाभ्याम केशव, जैसे कचरे से धोने से कचरा नहीं साफ होता, एक ढक्कन मदिरा किसी कपड़े में लग जाए और पूरा एक बोतल शराब डाल के वो कपड़ा धोया जाए तो और शराब लगती जाएगी, तो कैसे कैसे पाप का प्रायश्चित होगा केशव। युधिष्ठिर की बाणी है, तुलसी बाबा ने तो हमारे बिल्कुल मलाई भर दिया कि छूट ही मल की, यही बात सेम टू सेम लिखी, यही लिखी बिल्कुल कि छूट ही मल की मल ही के अरे धोए घृत की पाव कोई बारी मिलो, छूट ही मल की मलई के धोए घृत की पाव कोई बारी मिलो, छूट ही मल की मलई के धोए घृत की पाव कोई बारी मिलो, छूट ही मल की कि ठगी करो चोरी करो बाद में आप सत्यनारायण की कथा सुन लो फिर चोरी करो फिर सुन लो, तो आपने एक पाप तो वो किया उसको मिटाने के लिए जो एक किया ये भी पाप ही किया। भगवान ने सोचा कि अब इनको मैं तो क्या समझाऊं, अब इनको चलो उनके पास ले चलते हैं जिनके प्रति इनके मन में ज्यादा श्रद्धा है। ठीक है भैया युधिष्ठिर, आज आपको चलिए एक बहुत बड़े महापुरुष का दर्शन कराते हैं, 52 दिनों से जो बाण की सैया पर कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हैं। सर धर्म का स्वर सर का बिस्तर और तकिया लगी है सर की, सर सैया पर पड़े न निष्ठा सिंहासन से सर की, कर्म विवश पारथ सर 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 मारे सर सर मोरे कसर न कोई छोड़े, अर कर्म कथा कर पाए न कुंठित काल के कर्कश कोड़े। बोलो जय श्री हरि।
124 जन्मों की बात बाढ़ की सैया पर पड़े पड़े जिनको याद आ रही है। एक एक बूंद रक्त अर्जुन के बाणों से जिनके शरीर से निकल कर बह गए, लेकिन माता गंगा का वरदान उनके कान में बार बार गूंज रहा है, बेटे भीष्म काल के कर्कश कोड़े तेरे प्राण ले न सकेंगे। तेरी माँ का वरदान है रे कि जब तू चाहेगा तब 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 तेरे प्राण जाएंगे। आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए हैं, आगे आगे भगवान आ गए। भीषम उन भक्तों में नहीं जो मंदिर में लाइन लगाए खड़े रहते हैं, भीषम उन भक्तों में हैं जिनको दर्शन देने भगवान खुद चल के उनके पास आते हैं। बोलो भीषम बाबा की परम वैष्णव हैं, धर्म के मर्म को जानने वाले परम धर्मात्मा बाण की सैया पर पड़े हैं। कि दरबार में बुला ले ओ मेरे श्याम मुरली वाले, कहीं देर हो न जा ए, कहीं दम निकल न जा। बाण की सैया पर पड़े पड़े भी भगवान का स्मरण कर रहे परम वीर भीष्म पितामह बाबा, कहीं दम निकल न जाए, कहीं देर हो न जाए, निकल न जाए। सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े पड़े अकुलाते, सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े पड़े अकुलाते, हंस पड़ते हैं कभी कभी बस केवल रोते जाते, केवल रो कारण क्या है जाते, निज कर्म की गठरिया भव सिंधु की डगरिया, भव सिंधु की डगरिया, कहीं तम निकल न जाए, कहीं दे अलके लहरा रही, बाबा भीष्म की तरफ चले आ रहे, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे युधिष्ठिर, उनके पीछे गदाधारी भीम, उनके पीछे गांडीवधारी अर्जुन, उनके पीछे नकुल, उनके पीछे सहदेव, उनके पीछे एक देवी जी और हैं, सर पे पल्लू डाले श्री द्रौपदी जी। भीष्म बाबा ने भगवान को देखा मोर मुकुट मुरली वाला, भीष्म बाबा खिलखिला कर हंसे, अरे वाला कन्हैया अब तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं रे, अब तो मैं तो बाण मार के तुझे प्रणाम कर सकता हूं ना, हाथ जोड़ के मेरे मन का ही प्रणाम स्वीकार कर ले। अरे आंखों ने हो आंखों ने एक प्रणाम छोड़ आगे एक अक्षर कहा नहीं, कि आंखों से आंखें मिली रही, आंखों से आंखें मिली रही, पर पल आंखों में रहा भगवान की आंखों में भीष्म बाबा की आंखें मिली। आज वो बाबा बाण की सैया पर पड़ा,
भीष्म जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। बारंबार प्रणाम करता हूं भगवान श्री हरि, आज आप मेरी मृत्यु के समय मुझे दर्शन देने आए हैं, इसलिए आपको फिर से बारंबार प्रणाम। और मुझे आशा थी कि आप अवश्य आएंगे। और भगवान ने क्या देखा कि भीष्म बाबा के चारों तरफ कौन खड़ा? पर्वतों, पर्वतों नारदो धौम्यो भगवान बादरायण। ऐसा भागवत में लिखा, वेद व्यास भगवान है, पर्वत मुनि है, नारद बाबा हैं, पिप्पलाद हैं, परशुराम जी महाराज भी आ गए। इतना बड़ा महापुरुष धरती से जा रहा है, उसके अंतिम दर्शन के लिए महाराज बड़े बड़े महापुरुष आकर भीष्म बाबा को घेर करके खड़े हो गए। भगवान बोले, हम तुम बात बात में करेंगे भीष्म भैया, भीष्म बाबा, पहले तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, इनको थोड़ा उपदेश दो। युधिष्ठिर जी आए, चरणों में प्रणाम किया, तात्श्री प्रणाम करता हूँ। अर्जुन जी बोले, तात्श्री प्रणाम करता हूँ। ओहो, भीष्म बाबा बोले, खूब कल्याण हो धर्मात्माओं, अरे तुम्हारे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ रे बेटा, अहो न्यायम महत कष्टम, बड़े कष्ट का विषय है। बाण की सैया पर पड़े पड़े पितामह भीष्म पांडवों से बोले, अहो न्यायम, बड़ा अन्याय हुआ तुम्हारे साथ, महत कष्टम यद्यूयम धर्मनंदना। हालांकि तुम सब बड़े धर्मात्मा हो, हम तुम्हें उपदेश देते हैं। वही वही जमीन पर बैठ गए पांचों पांडव भीष्म जी के सामने, और राजधर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान विभागशः, राजधर्मान मोक्ष धर्मान दान धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग्यता। राजा का धर्म क्या है, दान कैसे करना चाहिए, धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, स्त्री को कैसे रहना चाहिए। बाण की सैया पर पड़े पड़े भीष्म बाबा युधिष्ठिर को सब बताने लगे, बेटा तुम अब राजा हो गए हो, और राजा का भी कुछ धर्म होता है, राजा को पाप से बचना, पाप से बचना चाहिए। पाप से बचना चाहिए। हुआ बक, खूब हंस लो, खूब हंस, ऐसा मजा नहीं आएगा। पाप करना, पाप करवाना, पाप देखना, राजा को पाप करने से बचना चाहिए, पाप करवाने से बचना चाहिए, पाप देखने से बचना चाहिए। सब लोग तो चुप रहे, एक जो देवी जी आई थी द्रौपदी, उनको हंसी, इनको हंसी बहुत आती कभी कभी, कभी कभी इनकी हंसी बड़ी घातक होती, हंस पड़ी। पितामह भीष्म बोले, द्रौपदी तुम्हारा हंसना नहीं बंद हुआ, इस बात पे क्यों हंसी? द्रौपदी बोली, द्रौपदी बोली, तात्श्री आप जो उपदेश हमारे पति देवताओं को दे रहे कि राजा को पाप नहीं करना चाहिए, राजा को पाप नहीं देखना चाहिए, तो ये पाप तो सबसे पहले आपने किया, और जो पाप स्वयं करे उसका उपदेश देने का अधिकार नहीं होता। पांडव कौरवों की सभा में यही लोग जो युद्ध की भूमि में मरे पड़े हैं, जिनके सर कटे पड़े हैं, जिनके हाथ कटे पड़े हैं, बाबा यही मेरी साड़ी खींच रहे थे। मैं सबसे सहयोग मांग रही थी, आपकी भी पगड़ी झुक गई, लेकिन तलवार लेके भी आप खड़े हो गए होते बाबा, तो किसी योद्धा में शक्ति नहीं थी जो आपकी तलवार का उत्तर देता। बचाया किसने? हमारे श्री केशव ने उनको पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा कि आवो तो आवो हरि, सभा है भरी, भीड़ पड़ी, आओ तो आओ हरि, आओ तो आओ हरि, सभा है भरी, सभा है भरी, भीड़ पड़ी, आओ तो आओ हरि, आओ तो आओ हरि, सभा हरि, भीड़ पड़ी, दुष्ट सुशासन बंद
बदन को दुष्ट दुशासन कंस विनाशन खींच रहो मेरे बदन को दुष्ट दुशासन कंस विनाशन खींच रहो मेरे बदन को वासन देवकी नंदन देवकी नंदन बना दो बिगड़ी देवकी नंदन बना दो बिगड़ी आओ तो आओ हरी आओ तो आओ हरी सभा है भरी यही उपदेश बाबा जी अगर यदि वहां भी थोड़ा दे दिया होता ना जो पापी लोग मेरी साड़ी खींच रहे थे हे माताओं भीषण बाबा थोड़ी देर चुप हो गए उनके वाणी से कोई आवाज नहीं निकली अब हमको लगता है जिंदगी में कभी नहीं रोए थे प्रेमियों लेकिन आज द्रौपदी की बात सुनकर पितामह भीष्म रो पड़े युधिष्ठिर बोले ए द्रौपदी क्यों बाबा को रुला दिया द्रौपदी जी बोले कि हमारा द्रौपदी जी बोले हमारा लक्ष्य थोड़े था कि बाबा रोए हमने तो बाबा से प्रश्न किया भीष्म बाबा बोले बेटा उस समय मैंने पापियों का अन्न खाया था कुसंग बड़े बड़े धर्मात्मा को भ्रष्ट कर देता है लेकिन अब आप लोग हमको छुट्टी दो भाई सब लोग मेरे सामने से चलो अब हमारे जीवन के थोड़े से समय शेष रह गए अब हमें हमारे केशव से थोड़ी बात कर लेने दो पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से बात करने लगे केशव मुझे यही वरदान दे दो कि आपकी युद्ध भूमि वाली झांकी मेरी आंख के सामने सदैव रहे भगवान अर्जुन का रथ लेकर के लड़ाई की भूमि में चले जा रहे हैं जहां भीष्म बाबा से आमना सामना है अरे भक्त बदे महाभारत में अब निसारथी आई रहे जदुराई और पीत पटी ऐसी झांकी तो कभी युद्ध के मैदान में देखने को नहीं मिलती प्यारे कि भक्त बदे महाभारत में बनी सारथी आई रहे जदुराई और पीत पटी फहरे लहरे और रथ हाकत डोर उठाई उठाई कि पार्थ से बात करे मुस्काई के और माधव की लख सुंदर ताई सोच लगे मन ही बन भी सम बोलो बाण चलाई कि ध्यान लगाई रे सोच लगे धनुष बाण से ढीला पड़ गया बोले केशव ऐसी झांकी युद्ध में देखने को ना मिलती और आपने प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा हाँ भगवान बोले बाबा आपों ने तो प्रतिज्ञा की थी कि जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं दूरी तो पे कुरवंशीन को अंश ही न जानियो रे जो पे मेरे बाण पांडवन के न भेद है प्राण भीष्म बाबा ने प्रतिज्ञा की थी महाराज मजबूर कर दूंगा विवश कर दूंगा शस्त्र उठाने के लिए इतने बाण मारे अर्जुन का कवच कट गया अर्जुन का धनुष कट गया अर्जुन का शरीर लहूलुहान हो गया भगवान ने कहा हटो ये प्रतिज्ञा लेके हम क्या करेंगे जब हमारा भक्त ही मर जाएगा भगवान कूद पड़े धरती पर और रथ का टूटा पहिया लेकर झपटे बोले रुक जा तू बहुत बड़ा योद्धा बनता है सूत जी बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण को इतना क्रोध में पहली बार युद्ध भूमि में कोई देखा था अर्जुन के नाते अपने भक्त के नाते धरती थर 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 कांपने लगी ये प्रथम स्कंध का 9वां अध्याय है प्रेमियों इसमें पुष्पिताग्रा छंदों के 19 श्लोकों में पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में पितामह भीष्म ने भगवान की बाण की सैया पर पड़े पड़े पुष्पिताग्रा छंदों में स्तुति की मैं कुछ श्लोक आपको सुना देता हूं पूरा हाँ अरे स्वनेगम इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा पहला श्लोक है उसका
ग्यारह श्लोकों में, ग्यारह श्लोकों में स्तुति करके पितामह भीष्म ने आंखें बंद कर ली थी। संस्कृत साहित्य में ये पुष्पिताग्रा छंद है जो ग्यारह श्लोक में भीष्म ने स्तुति की। भीष्म स्तुति के नाम से यह अध्याय है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह त्रिभवन गमनम तमाल वरणम अर्णविकर गौरवरांबरं दधाने वपुरलककुला वृताननाट्यं विजय सखे रतिरस्तु मेन वत्या। प्रभु मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए याद आ गया वो दृश्य भीष्म को, मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए और अर्जुन के प्राण को बचाने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर जब रथ का पहिया लेकर दौड़े थे सरकार, तो हवा के झकोरों से आपका पीतांबर उड़कर दूर चला गया था। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधि कर तुम अवप्लुतो रथस्था धृत रथ चरणा भया चलत गुरु हरि गंतुम इभम गतोत्तरीय। आपका उत्तरीय वस्त्र हवा के प्रचंड झकोरों से उड़कर दूर चला गया था। और क्या वरदान मांगू श्याम सुंदर, यही वरदान दे दो कि ये झांकी मैं कभी न भूलूं। कृष्ण मुरारी जी दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भवन में अटका। सब गए बेड़ा आज भवन में अटका, करो पार मुरारी जी पार मुरारी जी दूर करो दुख मेरा रे। कृष्ण मुरारी दूर करो दुख मेरा सबरी सबरी अहिल्या नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तूने पार उतारी, सब ही तूने पार उतारी, सब ही तूने पार उतारी, सब ही तूने पार उतारी। आई हमारी बारी जी, आई हमारी बारी जी, दूर करो मेरा रे बांके बिहारी। बोलो बोलो करो दुख मेरा राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। भगवान के चरणों में अपनी वाणी से स्तुति करके पितामह भीष्म भगवान के पावन धाम को चले गए। बोलो द्वारिकाधीश की युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है, भगवान द्वारिका चले जाते हैं, अर्जुन भगवान द्वारिका चले जाते हैं, इसी बीच में परीक्षित जी का जन्म होता है। बोलो राजर्षि परीक्षित जी महाराज की, ऐसा कथा सुनने वाला कोई नहीं हुआ।
ऐसा माया मोह छोड़ करके एकदम निष्ठा से भगवान की कथा सुनने वाला कोई नहीं हुआ। चलो लेकिन भैया सुनते रहो, जैसे भी बने वैसे सुनते रहो। सारे सुनना जगत में श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। परीक्षित का जन्म हुआ, जैसे जन्म हुआ परीक्षित का, उठकर बैठ गए और चारों तरफ देखने परितः इच्छितः। संतों ने कहा जो चारों तरफ अपने भगवान को देख रहा था वही परीक्षित है। अब परीक्षा में जो पास हो चुका है, चारों तरफ से परीक्षा ले गई, ब्रह्मास्त्र से ये बच गया, ये कोई आश्चर्य नहीं है। सांप के काटने से भी ये मुक्त हो जाएगा, कुछ महात्मा ये बात कहे तो हमें बड़ा अच्छा लगा, ये भी कोई आश्चर्य नहीं है। महाराज पांडु के कुल में इसका जन्म हुआ है, ये भी कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य क्या है? आश्चर्य यह है कि दुनिया में जन्म बाद में हुआ है, लेकिन माँ के गर्भ में ही सबसे पहले इसने भगवान का दर्शन कर लिया है, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। ऐसा जीव को मिलता नहीं, बड़ा दुर्लभ अवसर। परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान भी खिलौना टोपी कपड़ा मिठाई लेकर के आए, बालक भगवान के गले से लिपट गया। भगवान का महाप्रयाण होता है, अर्जुन जी वापस आते हैं, भगवान का जाना सुना, तो कुंती माता धरती पर गिर पड़ी। पांडव हिलाते डुलाते रहे, उनके शरीर में प्राण ही नहीं रह गया था, वो परम धाम को चली गई। पांचों पांडवों ने कहा भैया आप तो कोई बचा नहीं, माता जी भी चली गई, हमारे कन्हैया भी चले गए, क्या किया जाए? युधिष्ठिर बोले चलो छोड़ो ये दुनिया, ये महल, ये राज्य संपत्ति, ये माया, ये सब कभी साथ नहीं देने वाली है। अरे परीक्षित, परीक्षित छोटे बालक थे। राजा महाराजा युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुलाया, सिंहासन पर बिठाया। परीक्षित बोले दादाजी ये क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो आप लोग? पांडव बोले बेटा मैं वही जा रहा हूँ जहाँ सबको जाना पड़ता है। आज से इस राज्य के राजा तुम हो, जैसे हम लोगों ने धर्म का पालन किया है बेटा, उसी तरह से प्रजा का पालन करना। भैया बालक परीक्षित सिंहासन पर बैठा दिए गए, बोलो जय श्री हरि। अपना मुकुट युधिष्ठिर ने परीक्षित को पहना दिया और पांचों पांडव हिमालय की तरफ चले। बद्रीनाथ धाम जब आप जाएंगे ना, जो जो चार धाम जाते हैं वो लोग जाते हैं, चार धाम वालों के अलावा बहुत कम सौभाग्य मिलता है लोगों को जाने का। 3 मार्च से अयोध्या में श्री राम कथा का आयोजन होने चल रहा है बहुत बड़े रूप में। उस अयोध्या के कार्यक्रम के बाद में हमारा प्रयास रहेगा कि दोबारा बद्रीनाथ धाम का पुनः कार्यक्रम हो। वहां कथा होने से लोगों को यह परम लाभ मिल जाता है कि जो चार धाम नहीं गए रहते हैं वो कथा के बहाने बद्रीनाथ धाम चले जाते हैं। बोलो बद्रीनाथ भगवान की। तो बद्रीनाथ धाम जब आप जाएंगे तो वहां से लगभग 30 किलोमीटर सतोपंथ है। सतोपंथ से आगे ऐसे नहीं जा सकते कि चलो कुमारगंज जाना है कि फैजाबाद जाना है, ऐसे नहीं जा सकते। बिना किसी जानकार के रास्ता भूल जाएंगे तो साल भर रास्ता ही नहीं मिलेगा। हाँ वहां बहुत कंकाल देखने को मिलते हैं, हड्डी, वो भूल गए रास्ता भी भूल ही गए, बर्फ गिरने लगी, यक्षों की धरती है। सतोपंथ से भी बहुत आगे स्वर्गारोहण है, जहां से जहां पांचों पांडव गल गए थे, युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग गए थे, सदे स्वर्गारोहण अभी भी है। वहां तक बहुत मुश्किल से कोई जा पाता है, वहां जाना बड़ा दुर्गम। बगल में माणा गांव के वाल चाइना बॉर्डर है, कभी कभी चाइना वाला कौआ आ जाता है हिंदुस्तान में, दिखाई पड़ता है वो अजीब टाइप का। वहां मिलिट्री पड़ी होती है, आगे आप नहीं जा सकते। तो पांचों पांडव हिमालय की तरफ चले, वहीं जाकर के बर्फ में सब गल गए, द्रौपदी सहित युधिष्ठिर महाराज सदैव स्वर्ग चले गए। युधिष्ठिर महाराज के जाने के बाद परीक्षित राजा बने। दिग्विजय करते हुए एक बार उन्होंने 3 पैर टूटे हुए एक बैल को देखा। एक चांडाल राजवेशधारी उस बैल को डंडे से मार रहा था। एक गाय माता बगल खड़ी रो रही थी। परीक्षित महाराज ने सारथी से कहा रथ रोक रथ रोक। यदि धन रहते हुए
आपके सामने कोई भूखा है, बल रहते हुए आपसे कोई रक्षा की आशा करता है, यदि आप नहीं करते तो आपका मानव जीवन पाना व्यर्थ। समय बहुत थोड़ा रह गया, आरती का समय हो गया है। परीक्षित महाराज तलवार लेकर के झपटे उस चांडाल के पास। महाराज कुंती पुत्र अर्जुन की और युधिष्ठिर की धरती पर इतना बड़ा पाप कर्म करने वाला नीच प्राणी, उस बैल के जो तीनों पैर टूट गए थे, उससे परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि भगवान ये तीनों पैर आपने आपके किसने तोड़े? बैल बोला महाराज ये तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है कि किसने तोड़ा। कोई कहता है कि नास्तिक कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही उसके दुख का कारण होता है। ज्योतिष के विद्वान कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र आदि मनुष्य के दुख का कारण होते हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। मैं किसको बता दूं आपको कि मेरे पैर किसने? ओ परीक्षित बोले कुछ मत बताओ महाराज, मैं आपको पहचान गया हूं। धर्मम प्रवीश धर्मज्ञ धर्मोषि वृष रूप धरक, बैल का रूप धारण करने वाले आप साक्षात धर्म हैं। और ये जो गौ माता रो रही हैं, ये पृथ्वी हैं, पाप का भार ये नहीं सहन कर पाती। और उस चांडाल की तरफ परीक्षित महाराज तलवार लेकर झपटे, वो चांडाल डंडा फेंक कर परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। बोला महाराज मुझे आप मार नहीं सकते, और सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, और अब मैं कलयुग हूं। मैं 432,000 बरस तक रहूंगा, और मेरे समय में महाराज मेरे युग में बड़ा लाभ है लोगों को कि कलयुग जोग न जगे न ज्ञान, कलयुग जोग न जगे न ज्ञान, एक आधार राम गुण गावा, राम गुण गाना, कल युग जोग जागे न ज्ञान, कल युग जोग न जागे न ज्ञान। कलयुग तो ऐसा युग है कि इसमें दो बार भी राम राम कहकर के आप शांति को प्राप्त हो सकते हैं, थोड़ी सी भी भगवान की कथा करके आप पुण्यात्मा बन सकते हैं। कलयुग बोला महाराज कहां बुराई है हमें? महाराज परीक्षित बोले धर्म को मार रहा है, मेरे राज्य से चला जा। कलयुग बोला जाऊंगा तो नहीं, रहूंगा तो है। जून के महीने में गर्मी तो नहीं जाएगी, लेकिन जहां एसी चल रही होगी वहां नहीं घुसेगी। हला जहां कथा चल रही होगी, जहां भंडारा चल रहा होगा, जहां गरीबों की सेवा हो रही होगी, जहां कीर्तन हो रहा होगा, वहां कलयुग नहीं आएगा। बोलो महाराज, बोलो महाराज कहां ना रहूं, कहां रहूं? परीक्षित महाराज जी बोले जा वैश्यालय में चला जा, वही मदिरालय में ठेका देसी शराब, वहां मद के रूप में रहता है, कसाई खाने में चला जा, जुआ खाने में चला जा। अरे कलयुग बोला महाराज एक आध अच्छी चीज तो दे दो। तो परीक्षित जी बोले जा सोने में बैठ। तो भैया जितना बेईमानी का चोरी का सोना है उसमें कलयुग महाराज तुरंत बैठ जाते हैं, और जो परिश्रम का है ईमानदारी का है उसमें तो भगवान रहते हैं, सोने में तो नारायण का निवास होता है। परीक्षित महाराज जो मुकुट पहने हुए थे, एक बार वो मृगया के लिए जब निकले तो वो मुकुट जो था वो जरासंध का था, उसी जरासंध वाले गंदे सोने में कलयुग प्रवेश कर गया। कलयुग जब प्रवेश कर रहा है प्रेमियों, तो जब आखेट से मृगया से लौटे तो उनको बड़ी प्यास लगी थी और बड़ी भूख भी लगी थी। देखा एक महात्मा समीक ऋषि ध्यान लगाए आंख बंद किए तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित बोले हे बाबा कलयुग तो बैठा ही था, बुद्धि भ्रष्ट थी। हाँ कलयुग अहंकार का जन्मदाता है। बोला मैं राजा हूं यहाँ का, मुझे ना भोजन पूछ रहे हो ना पानी पूछ रहे हो, ये आंख बंद मेरे राज्य में रहते हो, मेरे राज्य में खाते हो और राजा को नहीं पहचानते, तुम सब पाखंडी हो गए हो, अब मैं तुम्हें भी दंड दूंगा। वो परीक्षित नहीं बोल रहे, वो कलयुग बोल रहा है। परीक्षित बोले तुम्हें भी दंड दूंगा, तुम सबके ऊपर मैं कर लगाऊंगा, तुम लोग ऐसे निःशुल्क बिना कुछ दिए लिए मेरे राज्य में रहते। एक मरा हुआ सांप पड़ा था ना,
उनको बेचारे क्या पता था कि संत के गले में मरा हुआ सांप भी लपेटेंगे तो वो भी जिंदा हो जाता है, तो बड़ी समस्या हो जाती है। परीक्षित महाराज धनुष के नोक से उस सांप को उठाए और गले में लपेट दिए, चले आए। उस समीक ऋषि का बेटा जब श्रृंगी ने देखा, अरे कहा, अनाधिकारी राजा, तुम लोग हमारी रक्षा करने के लिए हो, तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ गया है। इतलंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, मेरे पिता के गले में जो तूने मरा हुआ सर्प लपेटा, उसने हाथ में लिया पानी और दे दिया श्राप। तक्षक सप्तमे हनि, आज के सातवें दिन, कितने दिन बाद? सात दिन। वो तो संत था, आपको सात दिन का मौका दे दिया, बाकी दुनिया में कोई आपको सात मिनट का मौका नहीं देगा, इसको नोट कर लीजिए। संतों ने आपको सात दिन का समय दिया है कि चाहो तो बना लो और नहीं बना पाओ तो हम क्या करें। आप तो सात साल में भी नहीं बना पाते, सात जन्म हो जाते हैं तो भी नहीं बना पाते। राजर्षि परीक्षित को कहा, सातवें दिन दंक्षित अस्मि कुलांगारम, तक्षक जाति का नाग तुझे काट लेगा, ऐसा श्राप दे दिया उसने। समीक ऋषि जब आंख खोले तो हंसे, अरे ये मेरे गले में सांप किसने लपेटा? वो कोई परीक्षा लेने के लिए मजाक किया होगा हमारे संत महात्मा कोई, कि देखें इनकी समाधि असली है कि नकली। श्रृंगी ने कहा, नहीं पिताजी, कोई संत ने नहीं लपेटा, ये मूर्ख राजा परीक्षित ने लपेटा, उसको मैंने बढ़िया प्रसाद भी दे दिया, आज के सातवें दिन तक्षक के काटने का श्राप दे दिया। समीक ऋषि बोले, अरे नादान बालक, ये क्या किया तूने? परीक्षित राजा बड़े धर्मात्मा है और उनको तूने इतना बड़ा दंड दिया। ऋषि कुमारों को भेजा, जाओ राजा को समाचार करो, अनर्थ हो गया है, वो चाहे तो अपनी मुक्ति का कोई रास्ता बना ले, सात दिन का समय है। राजा परीक्षित न रोए, न चिंता किए, न दुखी हुए, वो तो परम धर्मात्मा थे, परम संत थे, अपना मुकुट उतार दिया। एक कपड़े का टुकड़ा कमर में पहन करके और आंखें नीची करके, ओ मैं तो रमता जोगीरा, मैं तो रमता जोगीरा, मैं तो रमता जोगीरा, मैं तो रमता जोगीरा, जोगीरा का भजन चल पड़े। हाड़ मास की बनी रे कठरिया, ऊपर जरिया जा, हाड़ मास की बनी रे कठरिया, ऊपर जरिया जा, हाड़ मास की बनी गठरिया, ऊपर जरिया, देख देखी सब लोग रिझाए, देख देखी सब लोग रिझाए, मेरो मन उपरा, मैं तो रमता जोगीरा, मैं तो रमता कर जन्मेजय के सर पर रखा, बोले बच्चे तेरे जितना बड़ा मैं था तो राजा बना था, और मेरे जितना बड़ा तू है तू राजा बन जा। आकर गंगा जी, बोलो गंगा मैया की, आकर के कुश की चटाई बिछा कर माता गंगा की कल कल छल छल फिर वो बहती धारा। सुखताल है ना मुजफ्फरपुर जिले, वहीं बैठ गए गंगा के किनारे।
ऐसे इतने में जैसे आग लग गई हो, भृगु वशिष्ठ चवन सरद्वान अरिष्टनेमी भृगु अंगिरा उदत्त इंद्र कन्न पिपलाद परशुराम जितने महात्मा थे सब अपनी अपनी कुटिया छोड़ के भागे। अरे बोले चलो 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 आज मैं अपनी तपस्या लगा दूंगा लेकिन राजा राजा को नरक नहीं जाने दूंगा। तक्षक के क्या मजाल है कि हमारे राजा को काट करके हमारे महाराज को अधोगति दे दे। भैया देखते देखते गंगा जी का पूरा किनारा संतों से भर गया। कहां मिलेंगे ऐसे संत भैया कि आपको दुखी देखें तो अपना आश्रम छोड़ के आपके घर आ जाएं? अब कहां मिलेंगे? अब तो कोई मंत्री जी आ रहे हो तो फोटो खिंचाने के लिए एक के ऊपर एक गिर जाते हैं। अब कहां है कोई कि कोई धर्मात्मा दुखी हो तो उनको संत घेर लें। राजा परीक्षित को चारों तरफ से घेर लिया। चिंता मत करना राजन, मैं अपनी पूरी तपस्या आपको दे दूं। ऋषियों को देखकर परीक्षित रोने लगे। हाथ जोड़कर परीक्षित बोले, महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ, लेकिन कोई उपाय निकल नहीं रहा था। कोई कह रहा था कि 11 दिन का हम यज्ञ करा दें तो इनकी मुक्ति हो जाएगी, तो बोले 7 दिन का समय है 11 दिन का। कोई बोला भाई 1 महीने का तो अनुष्ठान यदि मैं कर दूं तो ये मुक्त हो जाए। मैंने सेट नहीं हो पा रहा था कुछ कि करें क्या। इतने में बीड़ा वाले बाबा आ गए, नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए। सब लोग बोले गुरु जी आप आ गए हैं, अब कुछ ना कुछ बात बैठ जाएगी, इनको 7वें दिन सांप काटेगा, इनकी मुक्ति का क्या उपाय है। नारद बाबा बीड़ा लेके जैसे आए थे वैसे पट्ट से लौट गए। लोग बोले पहली बार इसको लौटते देखा, लगता है इसके भी समझ में मामला आया नहीं कुछ। लेकिन बाबा हमको लगता है कोई ना कोई उपाय करने गए थे। गंगा जी के किनारे 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 चलते गए उन्होंने देखा बालू जो गंगा जी की थी उसी में 16 साल का लंबा चौड़ा गोरा गोरा एक बालक, बड़े बड़े बाल, ओ बड़ा दिव्य मुखमंडल और चुपचाप लंगोटी पहने लेटा था। नारद बाबा ने दूर से उनको प्रणाम किया। नारद ही जिनको प्रणाम कर रहे हैं आप लोग जान गए होंगे प्रेमियों, वो 16 साल का बालक तो कोई नहीं हो सकता। उस बालक ने धीरे धीरे आंख खोली और नारद जी कुशल तो है। नारद जी बोले बाबा कुशल कहां है, तभी तो आपके पास आया हूं। क्या हुआ? आप भी दुनिया के प्रपंच में अधिक पड़े रहते हैं नारद जी। बोले महाराज दुनिया का प्रपंच नहीं, एक राजा बड़ा धर्मात्मा है परीक्षित, उसको समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने नादानी बस 7वें दिन सांप के काटने का श्राप दे दिया है। अरे सुखदेव जी बोले जितना इस दुनिया में घुसोगे कोई सांप काटने का सांप पाएगा तो कोई मरने का सांप पाएगा, ये जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगेंगे, आप भी भजन करो ना। तो नारद जी ने उनको समझाया नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं, कि आप त्यागी होना चाहिए आपको। आजकल तो लोग उल्टे हमको ही समझाने लगते हैं आपको ऐसे करना चाहिए तो आपको ऐसे करना चाहिए। आजकल कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, सब सुनाने वाले हैं, उपदेश कोई सुनने वाला नहीं है। आज की जनता, पहले का वक्ता जनता को उपदेश देता था, आज जनता वक्ता को उपदेश देती है, क्योंकि वक्ता में क्षमता नहीं है तो उपदेश सुनना ही पड़ेगा। और जो वक्ता को दक्षिणा लेनी है तो जनता की माननी पड़ेगी। लेकिन वक्ता का लक्ष्य दक्षिणा नहीं है प्रेमियों, वक्ता का लक्ष्य समाज सुधार है। वक्ता का लक्ष्य ये भागवतामृत को जन जन तक पहुंचाने का है। यदि कोई न सुने, यदि कोई न माने तो मैं अपना सिद्धांत नहीं बदल दूंगा। कोई कहे आप तो कथा कहते रहो, हमको जो करे करने दो, मैं नहीं करने दूंगा आपको। मैं महीना में 3 कथा की बजाय 1 कथा करूंगा, लेकिन आपको मनमाना काम नहीं करने दूंगा, आपको ऐसा कार्य नहीं करने दूंगा जो अमर्यादित हो अपने स्वार्थ के लिए। नहीं, भागवत जी का प्रचार हो, आप एक भागवत के राम कथा के अच्छे श्रोता बने, ये हमारा लक्ष्य। तो प्रेमियों नारद जी महाराज ने कहा भाई महात्मा है इनसे क्या बहस करना, चले। वो महात्मा भी उठा, बालू वालू झाड़ी लंगोटी केवल पहने, जोर से बोलो सुखदेव भगवान की। ये 16 साल का बालक कोई साधारण बालक ना था, ये भगवान वेद व्यास और विटिका देवी के पुत्र राधा रानी के गोलोक धाम के लीला सुख थे, जो शरीर धारण करके इस धरती पर श्रीमद् भागवत का प्रचार करने आए थे। ऐसे सुखदेव जी चले, बोले चलो चल के देखें, बड़ा हल्ला शोर मचा हुआ है, हमको लगता है राजा सही में धर्मात्मा है क्या, नहीं तो इतने बाबा जी का एक इकट्ठा होते।
सुखदेव स्वामी जब आते हुए दिखे, ये एक एक मुट्ठी प्रसाद कितना तकलीफ खड़ी की है। अरे नारद जी बोले परीक्षित से, राजा तेरी तो मुक्ति आ गई, चल के लोग मुक्ति के पास जाते हैं। राजा परीक्षित खड़े हो गए। सुखदेव स्वामी के चरणों में लेट गए। नारद जी ने कहा था इनसे अनावश्यक बातें मत पूछना, नहीं वापस लौट जाएंगे तो कोई बुलावला नहीं पाएगा। हाँ वो हमारे आपके जैसे थोड़े थे महाराज। गुरुजी वो भजन गाओ जरा, हम लोग नाचेंगे। अरे मेरी जान है राधा तुझ पे कुर्बान में राधा। आजकल तो श्रोता ऐसे ब्यास को नचाते हैं जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा वाले हम लोग। अरे वो भजन गाओ ना, वो भजन गाओ तो हम लोग थोड़ा डांस करेंगे। अच्छा भाई हम भजन गाएं तो आप डांस करेंगे? मैं देखता हूं बड़े बड़े कार्यक्रमों में जो बड़े बड़े पैसे वाले वो घमंड में चूर कथा थोड़े कराते हैं। वो अपने अहंकार का प्रदर्शन, वो सोचते व्यास भी संत भी मेरी अंगुली पे नाचे और लोग नाचते भी हैं। परीक्षित जी से नारद जी ने कहा अनावश्यक बातें इनसे मत पूछना, नहीं तो फिर ये कोई दक्षिणा पक्षिणा की लालच में तुम्हारे राजा होने के कारण रुकने वाले नहीं है, वापस चले जाएंगे तो कोई बुला नहीं पाएगा। इतने पूछना कि मृमार पुरुष की मुक्ति का क्या साधन है? तो परीक्षित जी बोले गुरु जी अतः प्रक्षामि संसिद्धिम् अयोगिनाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आज के सातवें दिन में मर जाने वाला हूं गुरुजी, और जल्दी मर जाने वाले पुरुष की मुक्ति का क्या उपाय है? और तो मैं आपसे कुछ पूछ भी तो नहीं सकता, इतना मेरे अंदर ज्ञान भी तो नहीं है, इतना ही बताइए। आरती आई, माला आया, तिलक लगाया गया, गुरुजी की आरती उतारी जा रही है, व्यास का सम्मान, भागवत का सम्मान। आप सब लोग कथा में समय निकाल के आते, कथा सुनना ही भागवत का सम्मान है। माननीय शंभू सिंह जी ने बहुत दिल से व्यवस्था की, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आने जाने वालों के सम्मान में, संत महात्माओं के सम्मान में दिन रात लगे रहते हैं। सारा कामकाज जो बाहरी राजनीति का हो चाहे समाज का हो सब कुछ बंद कर रखा है। इस तरह भागवत का सम्मान यदि होने लगे तो हमारे समाज में भागवत कथा पुनः जीवित हो जाएगी। एक बार जोरदार ताली शंभू सिंह जी के लिए। सुखदेव बाबा की आरती कर रहे हैं। अरे वो कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको ला हो प्रणाम, तुमको ला हो प्रणाम, तुमको ला प्रणाम, तुमको ला हो प्रणाम, प्रभु कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, गोविंद राह बताने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, गोविंद राह बताने वाले, तुमको लाख हो प्रणाम, तुमको लाख हो प्रणाम, तुमको लाख हो प्रणाम, तुमको लाख हो प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे जम के काला, लेकर विष प्याला जा रहे थे यम की काला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम की काला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, बोला प्रणाम तुम, बोला प्रणाम तुम, बोला
हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुम लाखो प्रणाम, तुम तो लाखो प्रणाम। हार तेरा क्या पाए, शीश झुका यही गाए, अब हार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाए, पार तेरा क्या पाए, शीश झुका यही गाए। ओ प्यार लुटाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रारंभ में द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय है और द्वितीय स्कंध के शुभारंभ में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित के प्रति श्रीमद् भागवत तत्व का उपदेश देना प्रारंभ किया और राजा परीक्षित की प्रशंसा करके वरी याने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। राजन, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये जन कल्याणकारी है। प्रथम श्लोक में ही द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय के बरी याने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा ज्ञानं परम गुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च ग्रहाण गदितं मया। बड़ा गुप्त ज्ञान उसके रहस्य में के साथ, उसके अंगों के साथ मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। राजन, अब इसको ध्यान से सुनना। भगवान की विभूतियों का वर्णन, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, भगवान के मुख्य तत्व का वर्णन, जिससे जीव को स्वरूप ज्ञान होता है, जो परमात्मा के दिव्य चरित्रों को सुनता है, आदि 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 आदि। सुखदेव स्वामी ने श्री गणेश किया, कल के बेला में महात्मा विदुर का चरित्र, सृष्टि क्रम वर्णन, कपिल देवहूति उपाख्यान, ध्रुव चरित्र, जड़ भरत चरित्र, प्रहलाद चरित्र, और ग्रह गज ग्राह का चरित्र, गज का उद्धार, ग्राह का उद्धार, तथा समुद्र मंथन, वामन अवतार आदि की चर्चा, और परसों के बेला में सूर्यवंश चंद्रवंश का अद्भुत वर्णन, चंद्रवंश के समस्त राजाओं की कथा, सूर्यवंश के समस्त राजाओं की कथा, और इसी सूर्यवंश के अंतर्गत भगवान श्री राम का पावन जन्मोत्सव, और चंद्रवंश के चरित्र वर्णन में भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव। परसों के बेला में बहुत दिव्य चर्चा होगी और कल की बेला में ये कथाएं होंगी जो मैंने आपको बताया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी आए हुए दूर से हमारे महानुभावों को, पंडित कृष्ण कमल मिश्रा जी, और हमारे गोंडा से चलकर आए प्रमोद सिंह ठेकेदार जी, सुरेंद्र सिंह जी वकील साहब सहमसी से, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जितने श्रद्धालु आते हैं दूर से, सब पर राधा माधव की कृपा हो। आरती के लिए आप लोग आवे जल्दी, 6 बज गए हैं, आप आरती के लिए। माता कामाख्या देवी धाम से मनोज पुजारी जी भी नित्य कार्यक्रम में शामिल होते हैं और माता जी की कृपा भी आप सबके ऊपर बनी रहे। सुंदर शाह जी के दरबार से भी, देवी जी के मंदिर से संत जी पधारे हैं, ऐसे सभी आगंतुकों को, श्री खाकी शरण जी पालपुर से, आप सब आरती में आए। राम अवध मिश्रा जी पालपुर से, ये सभी हमारे बड़े अनन्य शुभचिंतक हैं। आहा, अच्छा अच्छा, ठाकुर साहब भी आए हुए हैं हमारे दिल्ली से, ठेकेदार साहब। अभी आइए आइए। हाँ हाँ, हाँ हाँ।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है भगवन तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है भगवन तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है भगवन तेरी आरती श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण।